मैडम, डॉक्टर धार्मिक मैडम और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्रणाम। आज हमारा टॉपिक है लेसन प्लान, बेसिक आइडिया, लॉजिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसन प्लान एंड स्किल्स। लेक्चर वन में मैं ये सब आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे लेसन प्लान के बारे में अगर आप लोगों को जिनका जिनका बीएड हो चुका है उनको थोड़ी इनके बारे में जानकारी होगी या उन्होंने लिए भी होंगे। लेकिन अभी लेसन प्लान जो है वो लेसन प्लान अलग अलग टाइप जो है वो या अप्रोचेस है वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। किसी भी कार्य की सफलता एवं असफलता में उस कार्य की पूर्व योजना या पूर्व उत्तरदायित्व का बड़ा महत्व होता है। हम कोई भी कार्य अगर करते हैं तो उसकी जो पूर्व तैयारी है वो पूर्व तैयारी के आधार पर ही उसकी सफलता जो होती है वो सफलता निश्चित होती है। अगर इस प्रकार का शिक्षण में भी एक कार्य है, इसकी सफलता एवं असफलता का उत्तरदायित्व भी मुख्य रूप से उसकी योजना पर होता है। जो शिक्षा पहले से ही नियोजित होती है वह निसंदेह सफल होती है। एक सफल शिक्षक कक्षा में पढ़ाने पूर्व या जो भी उसको विषय वस्तु पढ़ानी पढ़ानी है, जो विषय घटक उसको पढ़ाना है, उसके पूर्व जो भी वो तैयारी करता है उसके ऊपर उसकी सफलता निर्भर होती है। वह यह भी पूर्व निर्धारित कर लेता है कि वह कक्षा में कौन सी विषय वस्तु को किस क्रम में तथा किस प्रकार प्रस्तुत करेगा, किस मेथड से यानी विधि का उसका उपग्रह, कौन कौन से अध्यापन पद्धतींचा तो वापर करणार है त्या विशिष्ट अशा विषय वस्तू साठी, जो विषय मधला तो त्याने विषय घटक निवडलेला असतो त्या विषय घटाला काला अनुरूप अशा ज्या काही अध्यापन पद्धती आहेत त्या कोणत्या अध्यापन पद्धतीचा त्यांनी वापर करावा की जेणेकरून त्याचं जे अध्यापन आहे ते अतिशय प्रभावी होणार आहे आणि त्यांनी जी उद्दिष्ट ठरवलेली असतात त्या उद्दिष्टांची परिपूर्ती होणार आहे। इस प्रकार किस विधि का प्रयोग करेगा, किस सहायक सामग्री जो एडविजल एड्स है वो एडविजल एड्स का किस स्थान पर उपयोग करेगा, पाठ को स्पष्ट एवं सरल बनाने हेतु किस उपाय को वो क्रियान्वित करेगा, पाठ वस्तु या विषय वस्तु प्रस्तुत करते समय कितनी विषय वस्तु को छात्रा को समक्ष प्रस्तुत करेगा। इन्हें पहले जो है लेसन प्लान वो ये जो लेसन प्लान है वो दैनंदिन पाठ योजना कहलाती जाती है। लेकिन उसके पश्चात जैसे एक साल में 8वीं कक्षा का फॉर एग्जाम्पल 8वीं कक्षा का गणित विषय का अगर सिलेबस देखा जाए तो 8वीं कक्षा का गणित विषय का सिलेबस हमें देते हैं पढ़ाने के लिए शिक्षक को, तो उसके लिए साल भर का यानी फिर वार्षिक नियोजन हमको करना पड़ता है, ईयर प्लानिंग करना पड़ता है। उसके बाद हम उस ईयर प्लानिंग करने के बाद कौन कौन से मंथ में कौन कौन से घटक हम पढ़ाने जा रहे हैं, फिर उसका यूनिट प्लानिंग हम करते हैं, एक एक मंथ में कितने पीरियड उसको लगेंगे इसका हम पहले प्लानिंग करते हैं, ईयर प्लानिंग, फिर बाद में यूनिट प्लानिंग, और यूनिट प्लानिंग के बाद हम 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का अगर हमारा पीरियड रहता है तो वो डेली लेसन प्लान इसको कहलाते हैं। वो जो डेली लेसन प्लान है ये आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो विषय वस्तु है एक यूनिट है, ये एक यूनिट को हम अगर 3-4 पीरियड अगर लगते हैं तो वो एक पीरियड में हम कितनी विषय वस्तु लेकर बच्चों को वो अच्छी तरह से वो उनकी उद्दिष्ट पूर्ति कर सकते हैं, वो अच्छी तरह से उनको समझा कर दे सकते हैं या जो उनकी कंसेप्ट है वो हम कंसेप्ट उनकी क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार एक सफल शिक्षक विषय वस्तु जो है वो विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से उसकी पूर्व एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर सकता है। उसी रूपरेखा को हम पाठ योजना या लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान के बारे में और एक है कि अपने सामने जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव कौन सा है, तो हम अपने सामने एक क्वेश्चन आता है, व्हाई टू टीच, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। व्हाई टू टीच, क्यों हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्यों का आंसर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स। जो भी जैसे हमको अगर प्यास लगी तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, जैसे प्यास नहीं लगी तो हम पानी नहीं पिएंगे, वैसा ही है कि व्हाई टू टीच, क्यों पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ तो भी हमारे सामने उद्दिष्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स पूर्ण करने के लिए हम
उनको ये विषय वस्तु या विषय घटक पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए पहला प्रश्न है व्हाई टू टीच, ऑब्जेक्टिव्स उसका आंसर है। व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, जो विषय वस्तु दी है, जो ये घटक है, जो यूनिट है, वो हमको पढ़ाना है। लेकिन विषय वस्तु पढ़ाना है, विषय वस्तु के बारे में हमने ऑब्जेक्टिव तय कर लिए, लेकिन हाउ टू टीच ये हमने तो कर लिया तय, लेकिन हाउ टू टीच कैसे पढ़ाना है। सभी जो विषय घटक है हम एक तरीके से पढ़ाए नहीं पढ़ाया नहीं जाता है, वो अलग अलग मेथड उसके लिए है। तो हर एक विषय घटक के लिए हम अलग अलग मेथड का चयन करते हैं। इसीलिए पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है व्हाई टू टीच, व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। अब लेसन प्लानिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लान। पहली है, लेसन प्लान इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड एंड प्रोसीजर। ये लेसन प्लान जो है, ये लेसन प्लान अगर जो यूनिट हमको पढ़ाना है उसके उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु का क्रम हम निर्धारित करते हैं, विषय वस्तु कौन से मेथड से हम पढ़ाते जाते हैं यह निश्चित किया जाता है, यही पाठ योजना है। ये बीनिंग एंड बीनिंग की डेफिनेशन है। जोसेफ लंडन की डेफिनेशन है, लेसन प्लान एज ए ड्राफ्ट ऑफ द लेसन पुट अप ऑन पेपर विथ ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वेदर ऑफ मैटर और मेथड इजिली मॉक। जैसे हम इस जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसका पूरा एक नियोजन करते हैं, प्लान करते हैं, उसी को लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान इज ए टीचिंग आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेसन अरेंज इन द ऑर्डर इन विच दे आर टू बी प्रेजेंटेड। इट मे इंक्लूड ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स टू बी मेड, क्वेश्चंस टू बी आस्क, रेफरेंस टू मटेरियल, असाइनमेंट एटसेट्रा। यानी जो भी लेसन या विषय वस्तु तो हमें पढ़ानी है, तो वो जो लेसन प्लान है, दैनंदिन पाठ योजना है, ये एक आउटलाइन यानी रफ लेसन प्लान होता है। उसमें जो भी टीचिंग पॉइंट्स है, टीचिंग पॉइंट्स लेते हैं, जैसे हम पाठ जो विषय वस्तु है वो अरेंज कर सकते हैं, क्रम से निर्धारित करते हैं कि जो भी हमारे उद्दिष्ट को सामने रखते हुए वो क्लासिफाइड करते हैं और क्रम से एक के बाद एक हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पर उनकी परिपूर्ण क्या इवेल्युएशन करने के लिए हम उनको जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं। इसको लेसन प्लान कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये शिखा शब्दकोश में है। लेसन प्लान इज द टाइटल गिवन टू द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज एंड स्पेसिफाइज मींस बाय विच दीज आर अटेंड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज एंगेज ड्यूरिंग द पीरियड। जो भी पीरियड रहता है, जो ऑब्जेक्टिव हम तय करते हैं उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और सामान्य उद्दिष्ट और विशिष्ट उद्दिष्ट कर लिखते हैं, उसके बारे में जो भी उद्दिष्ट है उसके आधार पर हम कुछ एक्टिविटीज बच्चों को देते हैं वो उद्दिष्ट परिपूर्तना पूर्ति के लिए, और जो भी पीरियड हम लेते हैं जैसा टाइम रहता है उसमें वो उद्दिष्ट पूर्ति हुई कि नहीं इसकी जी रूपरेखा तैयार करते हैं उसके उसको हम लेसन प्लान कहते हैं। ये बॉसिंग की डेफिनेशन है। बाद में पाठ योजना की आवश्यकता, नीड फॉर अ लेसन प्लान। ये लेसन प्लान इज नेसेसरी टू क्रिएट अ प्रॉपर एजुकेशन एनवायरनमेंट इन द क्लास एंड इफेक्टिव टीचिंग। लेसन प्लान जो है वो लेसन प्लान क्या होता है, अगर हम जो विषय वस्तु या घटक पढ़ाने जाते हैं उसके बारे में अगर हमने कुछ योजना नहीं तैयार की है तो क्या होता है, हम हड़बड़ा जाते हैं और जो हमें पढ़ाना है वो सिस्टमेटिकली हम नहीं पढ़ा सकते हैं, और जो एनवायरनमेंट जो होता है पाठानुकूल वातावरण, बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो मानसिक यानी पाठानुकूल वातावरण क्लास में तैयार करने हेतु लेसन प्लान ये आवश्यक होता है।
और अपना जो टीचर का जो अध्यापन होता है वो अध्यापन प्रभावी करने के हेतु ही लेसन प्लान एक नेसेसरी चीज होती है। इसके बाद इट मेक्स टीचिंग वर्क सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। अपनी जो अध्यापन क्रिया है, शिक्षक की जो अध्यापन क्रिया है, एक ये अध्यापन क्रिया सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज होने के लिए भी लेसन प्लान की आवश्यकता होती है। हम अगर पूरा लेसन प्लान तैयार करते हैं, जैसे 30 मिनट हमको दिए हैं, 45 मिनट्स अगर दिए हैं, 45 मिनट्स में पहले 5 मिनट में क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन में कौन कौन से पॉइंट्स लेने हैं, कौन कौन सी मेथड्स यूज करनी है, कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज करना है, ये अगर हम टाइम टू टाइम अगर पूरा लिख लेते हैं, उसका प्लानिंग कर लेते हैं, तो टीचिंग वर्क जो होता है वो टीचिंग वर्क सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज होता है। इट ऑर्गेनाइजेशन द कंटेंट वेल। लेसन प्लान से जो टीचिंग होता है वो कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन ठीक से करता है। इट इंस्ट्रक्ट डेली वर्क। जैसे लेसन प्लान ही डेली लेसन प्लान बोलते हैं उसको, वो जो डेली वर्क जो है, जो यूनिट है आपने हमको दिए है पढ़ाने के लिए, तो 45 मिनट्स में हमको जो भी पढ़ाना है वो अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। और टीचर का जो है वो लेसन या यूनिट पूरा करने का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी बढ़ाता है लेसन प्लान। इट हेल्प्स अ टीचर टू कॉन्फ्रॉन्ट सडन सिचुएशन इन द क्लास कॉन्फिडेंटली। एखाद्या वेळी असे होतं की आपण शिकवत असताना आपल्याला वेळेवर म्हणजे तात्कालिक स्वरूपाचे सुद्धा उद्दिष्टांची पूर्तता आपल्याला करायची असते, किंवा सिच्युएशन जी असते वर्गात शिकवता शिकवता बरेचदा एखाद्या वेळेला वेगळी सिच्युएशन निर्माण होते, विद्यार्थ्यांना आपल्या अपेक्षेबाहेरील काही कन्सेप्ट विद्यार्थी किंवा काही प्रश्न आपल्याला वर्गात विचारतात, त्यामुळे सुद्धा आपली गोंधळ होण्याची शक्यता असते। परंतु त्यावेळेला आपला जो सिच्युएशन, जर आपली लेसन प्लॅन जर व्यवस्थित तयार केला असेल आणि त्या विषयाचं जर परिपूर्ण ज्ञान आपण पूर्ण तयारी केलेली असेल, तर आपोआप त्या जी सिच्युएशन आलेली असते ती सिच्युएशन सुद्धा आपण आत्मविश्वासाने हँडल करू शकतो। इट इज नेसेसरी फॉर ऑर्डरलीनेस अँड डेव्हलपमेंट ऑफ थॉट। म्हणजेच काय की आपले जे काही विचार आहे ते विचार सुद्धा आपण विद्यार्थ्यांपर्यंत योग्य तऱ्हेने पोचवू शकतो आणि क्रमाक्रमाने विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित पायरी पायरीने तो भाग शिकवू शकतो। इट हेल्प्स एज अ गाईड अँड फ्रेंड टू अ टीचर। विद्यार्थ्यांना तो आपल्या मार्गदर्शकाप्रमाणे, सॉरी शिक्षकांना हा लेसन प्लॅन जो आहे, हा लेसन प्लॅन एक मार्गदर्शक म्हणून आणि मित्र म्हणून सुद्धा मदत करत असतो। इट इज इम्पॉर्टंट सो एज टू इलिमिनेट एनी चान्स फॉर मिसिंग पॉइंट। बरेचदा असं होतं की आपण जर का विदाउट लेसन प्लॅन वर्गात घेतलो, काहीच न शिकवता एकदम अचानक एखादं युनिट आपल्याला हे शिकवायचं म्हणून वर्गात अचानक अकस्मातपणे आपण जर वर्गात गेलो एखादा भाग शिकवायसाठी, तर लेसन प्लॅन किंवा आपण जर त्या गोष्टीचं नियोजन केलेलं नसलं, तर बरेचदा असं होतं की आपल्याला जो काही भाग शिकवायचा असतो त्यातले बरेच मुद्दे आपल्याला आपण विसरून जातो म्हणा, किंवा ते मिस होतात। आणि म्हणून त्याकरिता जर लेसन प्लॅन म्हणजे पूर्व योजना जर आपण केलेली असेल, आपण पाहिलेलं आहे की आपल्याला कुठलंही काम जरी पूर्ण करायचं असेल, योग्य रीतीने सफलपूर्वक करायचं असेल, तर आपण त्या कार्याचं नियोजन करत असतो। त्याचप्रमाणे इथे सुद्धा हे नियोजन केलेलं असल्यामुळे त्या जे वर्गात काही आपल्याला विशिष्ट असं शिकवायचं आहे, विशिष्ट भाग शिकवायचा आहे उद्दिष्टपूर्तीच्या उद्देशाने, तो भाग कुठलेही मुद्दे न सुटता आपण व्यवस्थितरित्या जर आपण योग्य ते नियोजन केलेलं असेल तर आपण ते व्यवस्थितरित्या शिकवू शकतो। त्याच्यामुळे ह्या दैनंदिन पाठ नियोजनचं हे फार महत्वाची गोष्ट आहे की आपण कुठलाही मुद्दा विसरत नाही, सगळे मुद्दे आपण व्यवस्थित लिहून घेतलेले असल्यामुळे किंवा नियोजन केलेलं असल्यामुळे जितका आपल्याला वेळ दिलेला असतो, जो टाइम लिमिट आपल्याला असतो, त्या टाइम लिमिटमुळे आपण मध्ये आपण आपलं जे काही उद्दिष्ट आहे त्या उद्दिष्टांना अनुसरून जे काही मुद्दे आहेत ते मुद्दे आपण वर्गामध्ये योग्य रीतीने एक्सप्लेन करू शकतो। नंतरच आहे इट इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर ब्रिंगिंग रियालिटी अँड क्लॅरिफाई टू थिंकिंग। त्याचप्रमाणे म्हणजे जी काही विचार जे आहे तो विचार क्लिअर असतात आणि त्याचप्रमाणे जी रियालिटी आहे, आपण जे काही वर्गामध्ये उदाहरण दाखल्यांचा सुद्धा वापर याच्यावर करू शकतो, आधीपासून नियोजन केलेलं असल्यामुळे वेळेवर आपण त्याचा विचार करून सुद्धा आपण विद्यार्थ्यांना त्या गोष्टी विषय वस्तू शिकवू शकतो।
तर ए टीचर युटिलाइज अ लेसन प्लॅन एज अ प्रॉपर डिव्हिजन ऑफ लेसन्स ऑर एज टाइमली टीचिंग एड्स. म्हणजेच काय की समजा आपल्याला एक युनिट किंवा एक प्रकरण दिलेलं असेल, ते प्रकरण आपण आपल्याला 3 पिरियड लागत असेल किंवा 3 पिरियडमध्ये जर आपण विभागून घेतलं असेल, तर आपण लक्षात घेतो की कोणत्या भागाला किती वेटेज लागेल. एखादा एखादी कन्सेप्ट समजवण्यासाठी आपल्याला एक पिरियडही पूर्ण लागू शकतो आणि एखाद्या वेळेला काही भाग जो असतो त्याच्यासाठी आपल्याला 2-3 कन्सेप्ट आपण एकाच पिरियडमध्ये शिकवू शकतो 25 मिनिटांमध्ये. म्हणून आपण अशा प्रकारे नियोजन केल्यामुळे त्या युनिटचं आपण प्रॉपरली डिव्हिजन करू शकतो आणि त्याला योग्य तो न्याय देऊ शकतो आणि त्याचप्रमाणे त्याला योग्य ते टीचिंग एड्स, जे एव्हीएड्स आपण वापरत असतो, एव्हीएड्स ज्याला ऑडिओ व्हिज्युअल एड्स म्हणतो आपण, तर ते त्याचा सुद्धा आपण त्या त्यासाठी प्रॉपर आपण यूज करू शकतो आणि त्याचा योग्य उपयोग आपण करू शकतो. विद्यार्थ्यांना त्या वेळेमध्ये व्यवस्थितरित्या त्यांनी त्या युनिटमध्ये जी जी कन्सेप्ट असेल ती आपण चांगल्या रीतीने विद्यार्थ्यांना समजवू शकतो. देअर इज अ प्रोव्हिजन ऑफ गिव्हिंग होम असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टुडंट. या लेसन प्लॅन मध्ये किंवा दैनंदिन लेसन मध्ये आपण काय करत असतो की विद्यार्थ्यांना होम असाइनमेंट देत असतो. होम असाइनमेंट दिल्या गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं एक तर प्रॉपर इव्हॅल्युएशन होत असतं आणि त्याचप्रमाणे त्यांची जी काही बौद्धिक कुवत आहे त्या बौद्धिक कुवतीनुसार त्यांना ते होम असाइनमेंट त्या युनिटवर दिलं असल्यामुळे तिथे विद्यार्थ्यांचं इव्हॅल्युएशन जे आहे ते इव्हॅल्युएशन प्रॉपर होत असतं. आणि शिक्षकांना सुद्धा त्यांची जी काही उद्दिष्ट जे आहे ते उद्दिष्ट किती लेवल पर्यंत त्यांनी प्राप्त केली किंवा ती पूर्ण झाली, सफल झाली हे त्या शिक्षकांना समजू शकत. इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड्स ऑफ टीचिंग फ्रॉम द व्ह्यू पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स. अगर हम किसी यूनिट का चयन करते हैं उसके बाद वो यूनिट हम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहे हैं उसकी बौद्धिक क्षमता हम जानकर उनके लिए उस यूनिट कौन से मेथड से पढ़ाया जा सकता है ये हम पहले तय कर सकते हैं. अगर हम ए सेक्शन को पढ़ाने जा रहे हैं, ए सेक्शन के विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता अधिक होती है ऐसा हमने अगर मान लिया, बी से उसके बाद में बी अगर सेक्शन की उनकी बौद्धिक क्षमता उसके कंपैरिजन कम होती है तो उसके लिए हम वही यूनिट अलग मेथड से पढ़ाएंगे, ये यूनिट ये सेक्शन को अब हम अलग मेथड से वही सेक्शन यूनिट पढ़ा सकते हैं. इसीलिए पहले हम लेसन प्लान में जो भी मेथड से हम बच्चों को पढ़ाना है मेथड का हम चयन करके रख सकते हैं. इट हेल्प्स इन क्वेश्चन आंसर टेक्निक और डेवलपमेंट ऑफ एग्जाम्पल्स. जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स हैं उसमें क्या होता है कि हम उनका इवेल्युएशन कर सकते हैं. क्लास में हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं, वो जैसे आंसर देते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा जो अध्यापन है वो अध्यापन प्रभावशाली है या नहीं. जो भी हम कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं वो कंसेप्ट उनको समझ में आ रही या नहीं, इसीलिए हम लेसन प्लान में भी क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अपेक्षित एक्सपेक्टेड आंसर लिख के उनके क्वेश्चन आंसर मेथड से हम उनका इवेल्युएशन टेक्निक लिख कर रख सकते हैं. नेक्स्ट विद टाइप्स ऑफ लेसन प्लान. टाइप्स ऑफ लेसन प्लान के अप्रोचेस हैं हर्बर्टियन लेसन प्लान अप्रोच, ब्लूम्स और इवेल्युएशन बेस्ड लेसन प्लान और REECM अप्रोच टू लेसन प्लान. देखिए जैसे आप अगर बीएड में किसी ने बीएड किया होगा तो जो लेसन प्लान हम बनाते हैं वो ज्यादातर हर्बर्टियन लेसन प्लान के हिसाब से ही हम लेसन प्लान बनाते हैं. अगले पीरियड में हम हाउ टू राइट लेसन प्लान या हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान ये हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये टाइप्स ऑफ लेसन प्लान ये जो अप्रोचेस है ये हम मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ. वैसे तो अधिकतर और लेसन प्लान है लेकिन ये मेन है हर्बर्टियन लेसन प्लान, ब्लूम्स और इवेल्युएशन बेस्ड लेसन प्लान एंड REECM अप्रोच टू लेसन प्लान. हर्बर्टियन लेसन प्लान जो है ये एंशियंट लेसन प्लान की योजना है, पूर्वापार से चलती आ रही है लेसन प्लान की योजना है. इसमें विद्यार्थियों के सम्मुख जो प्रस्तुतिकरण करते हैं वो उसको अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. जैसे ये पाठ्य योजना विषय वस्तु केंद्रित है और इस पाठ्य योजना के स्मृति स्तर पर
सीखने से अधिक प्रभावशाली माना जाता है। जैसे इसमें जो है ज्यादातर जो कॉग्निटिव डोमेन है वो कॉग्निटिव डोमेन पे ज्यादातर भर दिया जाता है। ये जो हर्बल टेम लेसन प्लान है इसमें 5 पद निम्न है, वो 5 पद या उसको हर्बार्ट के पंचपदी भी कहते हैं। इसमें 5 पद, पहला है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को प्रस्तावना भी कहा जाता है। जैसे इस पद में विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान की जांचने के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें उनमें नया ज्ञान को सीखने के लिए उत्सुकता उत्पन्न हो जाए। जैसे इस पद के अंतर्गत विद्यार्थियों में जो भी पूर्व अनुभवों की जांच है वो करते हुए उन्हें नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर किसी के यहाँ अगर कुछ काम से जाना जाता है, जैसे प्रिपरेशन या प्रस्तावना में बोलते हैं, जैसे हमको किसी काम है, किसी के पास से कुछ पैसा वगैरह मांगना है, मान लो कुछ एक एग्जाम्पल, तो हम किसी के यहाँ जाते हैं कुछ अपने काम मदद करने के लिए, तो अगर इस जाते हैं तो पहले जाते बराबर उनको अपना जो काम है वो बताते हैं क्या? नहीं। अभी क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा उनको कैसे वहाँ के हाल अहवाल, उनका मूड वगैरह देखकर हम अपना काम पूछते हैं। वैसा है जैसे हम क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे हर्बर्ट लेसन प्लान में भी प्रिपरेशन कहा है, उसमें इंट्रोडक्शन ऐसा भी बोलते हैं। इसमें विद्यार्थियों को अगर हम कुछ एक यूनिट अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो वो यूनिट के बारे में उनको पहले क्या जानकारी है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है वो हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए वो पूर्व ज्ञान पे आधारित हम प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद हम जो उनका प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज लिंक टू न्यू नॉलेज, ये काम करते हैं। जैसे कि उनको कुछ प्रश्न के आधार पर प्रश्न पूछते जाते हैं और उनको उनका नया ज्ञान जो है प्रीवियस नॉलेज लिंक टू न्यू नॉलेज, ये इसके बाद उनको हम एक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो उसको उद्देश्य कथन कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम करते हुए, जैसे आज हम ये बात पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा जो भी टॉपिक हमको पढ़ाना है वो हम स्पष्ट रूप से बच्चों को विद्यार्थियों को बताते हैं। या फिर वो जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम जो है हम श्यामपट्ट पर भी लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेप जो है वो है प्रेजेंटेशन, इसको विषय प्रवेश या प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है। जैसे ये जो प्रेजेंटेशन है इस आवाज कट रहा है मैडम? स्टेप नहीं, में, आवाज कट रहा है सर? थोड़ा क्लियर है। थोड़ा 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 कट सर, मैडम, क्लियर है। थैंक यू। काही होता सर कुठे प्रॉब्लेम, पण मला तर आता येतोय क्लियर आवाज। मॅडम येतो आहे ना? येस मॅम, हो मॅम, ऍक्च्युली येस मॅम, ज्यांचा येतोय। ज्यांना नेटवर्क इश्यू आहे त्यांचा त्यांना आवाज येत नाही, पण तुमचा आवाज क्लिअर आहे मॅडम। मॅक्झिमम लोकांना क्लिअर आवाज येतो। ठीक है, येस मॅम, येस। विद्यार्थियों के सहयोग से मूल पाठ का विकास किया जाता है। जैसे प्रेझेंटेशन मध्ये जसं आपण म्हणतो की आपण वर्गात एखादा विषय वस्तू जर शिकवतो तर केवळ आपण फक्त वर्गात शिक्षकच जर बोलत राहिले तर त्या विद्यार्थ्यांना त्या विषयात रुची राहणार नाही। कारण काय होतं की जर शिक्षक विद्यार्थी आंतरक्रिया जर वर्गामध्ये होत राहिली, त्यांच्या एकमेकांच्या सहकार्याने जर जो भाग आहे, विषय वस्तू आहे, ती जर हळूहळू तिचं पुढे जात गेली तर मात्र विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्या शिकण्यामध्ये किंवा त्या विषयामध्ये आवड निर्माण होते। आणि म्हणून या प्रेझेंटेशन मध्ये तशाच प्रकारे हे विद्यार्थ्यांना मोटिवेट केल्या जातं की जसं त्यांची जी काही मानसिक क्रिया आहेत, आता ह्या मानसिक क्रिया कोणत्या, नॉलेज, थिंकिंग, ठीक आहे, नंतर त्यांचे जे म्हणजे तर्क आहे, विचार आहे, अनुमान आहे, ह्या सगळ्या ये जो मानसिक क्रिया है उनको उत्तेजित करते हुए उन्हें सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। वो मानसिक क्रिया हम अगर उनको मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ उनको कार्य बताते हैं, उनको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, पूछते हैं, या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो वैसे टाइप के हम क्वेश्चन उनको विद्यार्थियों को पूछते हैं, तो उनको जो मानसिक क्रिया है उनकी उनका भी विकास होता है। इसके लिए भी प्लान करना जरूरी होता है। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्नों के द्वारा अधिकांश बातें
उन्हीं से निकलवाने का प्रयास करते हैं। जैसे शिक्षक जो भी यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो भी उन जानकारी है जो बच्चों से ही वो निकलवाने की, उनकी जो मानसिक क्रिया का विकास करने हेतु उन्हीं को प्रश्न पूछते पूछते वो उसका वो आगे आगे पढ़ाने पढ़ाते रहते हैं, जिससे नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से स्थापित हो। जैसे उनको जो भी हम नया ज्ञान दे रहे हैं उसके प्रति उनके मन में जिज्ञासा निर्माण करते हैं, और जो नया ज्ञान है उसको उसका संबंध उनका पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उससे भी जोड़ जाता है। बाद में तीसरी स्टेप है एसोसिएशन और कंपैरिजन, संबंध तथा तुलना। पढ़ाए गए जो तथ्य है तथा घटना है अथवा प्रयोगों को तुलना के द्वारा आपस में संबंध स्थापित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी को जो भी पढ़ाया है वह स्पष्ट रूप से समझ जाता है। जैसे हम कुछ क्लास में प्रयोग करते हैं घटना या तथ्य या सिद्धांत, हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें जो भी प्रयोग बताते हैं सिद्धांत बताते हैं उसके आपस में जो भी है उसमें कंपैरिजन बच्चों को करना है, करने के बारे में उनको पढ़ाया जाता है। जैसे और वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी उनको एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए उनको स्पष्ट रूप से वो समझ जाती है। शिक्षक को भी चाहिए कि वह एक विषय का दूसरे विषय से संबंध स्थापित करे। जैसे हम क्लास में अगर एक कंसेप्ट अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक लॉ अगर उनको पढ़ा रहे हैं, तो लॉ के हर एक अलग अलग एग्जाम्पल देना है, और जैसे भी जो एग्जाम्पल देते हैं उसका दूसरे एग्जाम्पल से या दूसरे घटकों से संबंध है, दूसरे तथ्य से, दूसरे सिद्धांत से संबंध स्थापित करके उनको पढ़ाना है, उनको बताना है कि, और एक विषय से दूसरे विषय के तथ्य जो है उसका भी रिलेशन या संबंध स्थापित उनको करने के बारे में उनको बताना है, या वो उनको प्रश्न के आधार पर या प्रश्न पूछ के उनको वो वैसे कैसे वो बच्चे संबंध स्थापित करके आंसर देते हैं ये भी देखना है। इसीलिए क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आंसर मेथड या ऐसा अगर हम ये क्रिया अगर हम क्लास में करते हैं तो जिससे विद्यार्थियों को विद्यार्थी जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान उनका स्पष्ट रूप से हो जाता है, वैसा वो और वो ज्ञान जो है वो दृढ़ हो जाता है। इसके बाद चौथी स्टेप्स है निष्कर्ष, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जैसे जो भी मूल पाठ है वो पाठ को समझाने पश्चात विद्यार्थी ये सोचने और विचारने के अवसर विद्यार्थियों को जैसे प्रदान किए जाते हैं। जैसे उनको समझने के बाद उनको अगर कुछ पूछना है, कुछ सोचना है, उनको कुछ पेरीज है, तो उसके भी अवसर शिक्षक प्रदान किए करते हैं, और वो जैसे उनको भावी जीवन जैसे एप्लीकेशन मेथड जो अपन हम बोलते हैं कि जो भी उन्होंने सिद्धांत सीखा है वो सिद्धांतों को क्लास में अप्लाई करो या फिर समाज में जैसे जैसे जीवन जगत जसं ते जीवन जगतात त्याप्रमाणे जीवनामध्ये प्रत्यक्ष त्या जो काही सिद्धांत आहे त्याचा उपयोग करतात। जसं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हे जर आपण शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवलं तर त्यातले जे काही ते नियम किंवा सिद्धांत शिकतील किंवा त्यातला डिफरन्स ते शिकतील तर ते आपोआप बाहेर गेल्यानंतर प्रत्यक्ष वनस्पती पाहिल्यानंतर त्यात डिफरन्शिएट करतात। नंतर प्रयोग ऍप्लिकेशन हे याच्यामध्ये सुद्धा करता येईल। जर का एखादा प्रयोग पाठ विधी प्रयोग पाठ जो है वो विधि का अंतिम पद है, जैसे कि जो हमने सीखा है उसको नई परिस्थितियों में प्रयोग में लाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमने जो भी सीखा है प्राप्त ज्ञान किया है ज्ञान प्राप्त किया है उसका हम उपयोग करते हैं, जो भी हमने सीखा है वो प्रश्नों के द्वारा पुनरावृत्ति करते हैं और सीखे हुए ज्ञान का उपयोग लाने के लिए नवीन परिस्थितियों में वो जो ज्ञान है वो लागू करते हैं, और वो लागू करने का अवसर भी हम विद्यार्थियों को प्रदान कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हर्बर्टियन अप्रोच टू लेसन प्लानिंग,
एडवांटेजेस क्या है इसके? इट इज सिंपल एंड इजी अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, एकदम सिंपल है और इजी अप्रोच है। इसमें सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का ही प्रयोग किया गया है या वो ही ख्याल में रखकर ये लेसन प्लानिंग बनाया है। इट इज यूजफुल इन द टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जो भी स्कूल सब्जेक्ट है तो सभी स्कूल सब्जेक्ट में के लिए ये यूजफुल है। इट इनकॉर्पोरेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जैसे 5 प्रिंसिपल्स हैं, पार्टिसिपेशन, रिपीटेशन, रिलीवेंस, ट्रांसफरेंस एंड फीडबैक। जो भी है पार्टिसिपेशन, जैसे सहभाग है, विद्यार्थियों का सहभाग ये लेसन प्लान में लिया जा सकता है। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को एक यूनिट अगर हम पढ़ाते जाते हैं तो उसमें भी विद्यार्थियों का सहभाग ले सकते हैं और इसमें विद्यार्थियों की फिर वो विषय में रुचि बढ़ती है। रिपीटेशन यानी सराव, जैसे हम एक यूनिट अगर हम पढ़ते हैं फिर प्रश्नोत्तर के द्वारा वो बच्चों से सराव लिया जाता है, उनका ध्यान, जैसे अपन म्हणतो की त्याच्यातली एक स्टेप आहे की रिकॅपिच्युलेशन, जसे ही रिकॅपिच्युलेशन जी स्टेप घेतलेली आहे पुढच्या, आता पुढच्या पिरियड मध्ये आपण पाहू या हर्बर्ट यांच्या ह्याच्यात लेसन प्लॅन करणार, तर त्याच्यामध्ये रिकॅपिच्युलेशन म्हणजे की त्या विद्यार्थ्यांचा जे काही आपण भाग आपण प्रेझेंटेशन मध्ये काही शिकवला त्याच्यानंतरची पुढची स्टेप म्हणजे रिकॅपिच्युलेशन। आता या रिकॅपिच्युलेशन मध्ये जो काही भाग पूर्ण तुम्ही 20 ते 25 मिनिटाचा भाग शिकवला तो भाग पुन्हा विद्यार्थ्यांना त्या ज्ञानाचं रिएन्फोर्समेंट होण्याकरता किंवा दृढीकरण होण्यासाठी पुन्हा आपण रिपिटेशन केल्या जातं, प्रश्नोत्तर पद्धतीने म्हणा किंवा आणखी दुसऱ्या काही पद्धती आहेत त्या पद्धतीद्वारे, किंवा इथे या स्टेपमध्ये किंवा रिपिटेशन याच्यासाठी करावं लागतं की त्या विद्यार्थ्यांना जे काही भाग आपण शिकवला तो त्यांना चांगल्या रीतीने समजला पाहिजे किंवा त्याचा सराव झाला पाहिजे। हे झाले प्रिन्सिपल्स ऑफ लर्निंग। नंतर रिलीव्हन्स म्हणजे काय, की जे काही भाग शिकवलं ते त्यांच्या याच्यामध्ये प्रतिबिंबित झालं पाहिजे, किंवा म्हणजे एखादा जर काही त्यांनी नियम सिद्धांत शिकला त्याच्या आधारावर त्यांनी नवीन करंट याच्यामधले काही प्रॉब्लेम्स जर ते असतील तर ते सॉल्व्ह करू शकले पाहिजे, त्याची काही उदाहरणं ते विद्यार्थी देतात। नंतर ट्रान्सफरन्स, म्हणजे ट्रान्सफरन्स म्हणजे की एका विषयाचं ज्ञान दुसऱ्या विषयामध्ये संक्रमित होणे किंवा एका इयत्तेतून दुसऱ्या इयत्तेमध्ये ते ज्ञान संक्रमित होणे। नंतर फीडबॅक, हे फीडबॅक जो आहे हा फार इम्पॉर्टंट आहे दोन्ही गोष्ट, शिक्षणी द्विध्रुवात्मक प्रक्रिया जर मांडलं शिक्षक आणि विद्यार्थी तर या दोन्ही ध्रुवांसाठी ही प्रक्रिया किंवा फीडबॅक हे फार महत्वाचं आहे। कारण काय की शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कितपत समजलं हे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची तिथे काही त्या उत्तरं दिल्याशिवाय कि त्यांच्या प्रश्नांची विद्यार्थी शिक्षकांना समजणार नाही, आणि त्याचप्रमाणे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारल्याशिवाय विद्यार्थ्यांनाही आपण कितपत ज्ञान प्राप्त करू शकलो हेही समजणार नाही। तर अशा प्रकारे ही हे दोन्ही गोष्टींसाठी हा फीडबॅक, दोन्ही म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थ्या दोघांसाठी सुद्धा ही लर्निंग प्रिन्सिपल्स ऑफ लर्निंगची ही गोष्ट जी आहे म्हणजे 5वा घटक जो आहे तो फार महत्वाचा आहे। नंतरचा आहे इट इज लॉजिकल अँड सायकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ लेसन प्लॅनिंग। अर्थातच हा मनोवैज्ञानिक अप्रोच आहे लेसन प्लॅनिंगचा, आणि तार्किक पण आहे आणि सायकोलॉजिकल पण अप्रोच आहे लेसन प्लॅनिंगचा। नंतर इट एम्प्लॉयज द प्रिव्हियस नॉलेज ऑफ द स्टुडंट्स फॉर इम्पार्टिंग न्यू नॉलेज। हे आधी एक्सप्लेन केलेच आहे मी, इट एम्प्लॉयज द प्रिव्हियस नॉलेज ऑफ द स्टुडंट्स फॉर इम्पार्टिंग न्यू नॉलेज, म्हणजे न्यू नॉलेज शिकवायच्या आधी तो काय करत असतो या लेसन प्लॅन मध्ये प्रिव्हियस नॉलेज सुद्धा विद्यार्थ्यांचं लक्षात घेतल्या जातं। सो इट इज इझियर फॉर द स्टुडंट्स टू ग्राफ द न्यू नॉलेज। विद्यार्थ्यांना मग नवीन ज्ञान प्राप्त करण्याची जिज्ञासा निर्माण झाल्यामुळे ते नवीन ज्ञान, प्रिव्हियस नॉलेज विचारल्यामुळे नवीन ज्ञान म्हणजेच काय की त्यांचं प्रिव्हियस नॉलेज हे नवीन ज्ञानाशी जोडल्या जातं। नंतर इट एम्प्लॉयज द इंडक्टिव्ह अँड डिडक्टिव्ह अँड अनालिटिक अँड सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। त्याचबरोबर यामध्ये सुद्धा निदानात्मक आणि उपचारात्मक त्याचप्रमाणे संश्लेषणात्मक आणि विश्लेषणात्मक मेथड्स ज्या आहेत त्या मेथड्सचं सुद्धा टीचिंग
या लेसन हर्बार्टियन पद्धतीमध्ये घेतल्या जातं. इट इज युजफुल इन अचीविंग द कॉग्निटिव्ह ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द टीचिंग. एक मी आधी सांगितलं की या इथे फक्त कॉग्निटिव्ह ऑब्जेक्टिव्हचाच फक्त विचार केला गेलेला आहे, कॉग्निटिव्ह लेवलचाच विचार केला गेलेला असल्यामुळे इथे जास्तीत जास्त जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते कॉग्निटिव्ह लेवलचेच घेतले गेले आहे. नंतर डिमेरिट्स ऑफ हार्वर्डियन लेसन प्लॅनिंग, देअर इज मोर एम्फोसिस ऑन टीचिंग प्लॅन लर्निंग. म्हणजे काय की जसं आपण जे काही आपण देअर इज मोर एम्फोसिस ऑन टीचिंग दॅन लर्निंग, म्हणजे जास्तीत जास्त केंद्र केलेला आहे ते जास्तीत जास्त टीचिंग वर केलेला आहे, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर त्यांनी जास्त त्याच्यावर म्हणजे केंद्रित ही पद्धती नाही आहे. इट इज हायली डॉमिनेटेड बाय द टीचर, अर्थात जास्तीत जास्त यामध्ये शिक्षकाचं हे प्रभुत्व दिसून येत आहे. नंतर देअर इज अ प्रॉपर मोटिवेशन फॉर लर्निंग, नो प्रॉपर मोटिवेशन फॉर लर्निंग, म्हणजे विद्यार्थ्यांना ज्या प्रमाणात शिकण्यासाठी किंवा अध्ययनासाठी प्रेरित करायला पाहिजे त्या प्रमाणात प्रेरित केल्या जात नाही. म्हणजेच काय की जे कॉग्निटिव्ह डोमेन आहे, अफेक्टिव्ह आणि सायकोमोटर डोमेन आहे, याकडे तितकं या लेसन प्लॅनच्या प्रकारात लक्ष दिल्या गेलेलं नाही. इट डज नॉट कन्सिडर लर्निंग स्ट्रक्चर इन ऑर्गनायझिंग लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज, ज्या काही लर्निंग ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या सुद्धा तितक्या प्रमाणात त्याच्याकडे लक्ष दिल्या गेलं नाहीये. इट इज हायली स्ट्रक्चर्ड अँड डज नॉट प्रोव्हाइड अपॉर्च्युनिटी फॉर लर्नर्स क्रिएटिव्हिटी अँड ओरिजिनली. विद्यार्थियों में जो सर्जनशीलता होती है या वो सर्जनशीलता के बारे में या उन वो क्रिएट करने के बारे में यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है. इट इग्नोर्स, ये हमने पहले बताया आपको, इट इग्नोर्स एफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स. इट कन्फाइन्स द टीचिंग अप टू मेमोरी लेवल ओनली, जो स्मृति स्तर है उस स्मृति स्तर तक ही उनका टीचिंग लेवल है. यर मेन एम्फोसिस लेड ऑन प्रेजेंटेशन, ज्यादा से ज्यादा जो प्रेजेंटेशन स्टेप है उसी पे ज्यादा भर दिया जाता है. इसीलिए ये है डीमेरिट्स ऑफ द हार्बर्टियन लेसन प्लानिंग. इसके बाद हम ब्लूम्स ब्लूम्स अप्रोच टू लेसन प्लानिंग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्लूम्स या बिहेवियरल अप्रोच बेस्ड लेसन प्लान कहते हैं, जैसे कि शिक्षा क्या है कि शिक्षा यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है. ये इसका प्रत्येक अंग उद्देश्य केंद्रित होता है, इससे मूल्यांकन के व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है. मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है केवल विद्यार्थियों की उपलब्धि तक सीमित नहीं है, जैसे विद्यार्थियों को यह शिक्षा के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन करती है. ब्लूम जो टेक्नोलॉजी या अप्रोच है, इस अप्रोच में विद्यार्थियों की जो विभिन्न पक्ष है, जैसे कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है या साइकोमोटर डोमेन है, ये तीनों पक्षों का मूल्यांकन करती है. जैसे मूल्यांकन जो है वो विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यवहार परिवर्तन, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के प्रभावशाली अध्यापन, विभिन्न शैक्षिक प्रविधियां जो मेथड्स हम सिलेक्ट करते हैं, विभिन्न शैक्षिक प्रविधियां, उपकरणों की प्रस्तुतिकरण, जैसे दृक श्राव्य साधन हम अगर क्लास में यूज करते हैं उसके तरीकों की जांच करके निष्कर्ष देता है कि उद्देश्य की प्राप्ति किस हद तक या किस स्तर तक प्राप्त हुई है. इस पाठ योजना में शिक्षक शिक्षण सामग्री के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न उद्देश्यों के स्तर को उनके व्यवहार परिवर्तन के रूप में निर्धारित करता है. इस पाठ योजना के जो है उसमें तीन सोपान है. जैसे पहला सोपान है फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर बिहेवियर चेंजेस, जैसे शैक्षिक उद्देश्य एवं उनके व्यवहार परिवर्तनों का निर्धारण.
शिक्षक यह पूर्व निर्धारित कर लेता है कि जो भी हम पढ़ाई जाने वाले जो भी पाठ के दौरान हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति करनी है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति करनी है, कौन कौन से उद्देश्यों का ज्ञान कराना है। जैसे हम कोई भी कार्य उद्देश्यों को सामने रखकर ही किया जाता है तो ही वो कार्य सफल होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले सोपान में जैसे जो भी उद्देश्य जो हम पढ़ाने जाते हैं उसके दौरान कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम के अनुभव उत्पन्न करना। जैसे लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे हम वो जो भी यूनिट पढ़ाते हैं वो यूनिट के संबंध में, जैसे वो विषय घटक के संबंध में हम कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट को दे सकते हैं, इसका भी हम प्लानिंग करते हैं। जैसे एक शिक्षक जो भी है वो जो पाठ योजना बनाता है उसके समय वो शिक्षण की कौन कौन सी जो विभिन्न विधियां हैं उसमें से वो एक विधि अगर वो चुनता है या उसका चयन करता है, उसके बाद वो कौन कौन से जो भी एवीएड्स है, वो सहायक जो सामग्री है, टीचिंग एड्स है, उसका भी वो क्या निर्धारण करता है। उसके संबंध में जो भी योग्य है उसका भी वो निर्धारण करता है और विद्यार्थियों को ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस का विकास करता है कि जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन का विकास करे, उनके व्यवहार में परिवर्तन का विकास करके उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, टीचिंग एड्स जो भी लर्निंग एड्स है उसका यूज करते हैं, उसका चयन करते हैं। उसके बाद क्लास में जो भी टीचर्स एक्टिविटी कौन सी करनी है उसका भी हम चयन करके रख सकते हैं, और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी, स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी करते हैं उसका भी हम चयन करके रख सकते हैं। उसमें ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस में उसके आधार पर हम कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों डोमेन का हम विकास कर सकते हैं। तीसरा सोपन है व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन। व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जैसे हमने जो भी हमने तय किए हुए जो उद्देश्य है, जो वांछित या उचित उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई है तथा शिक्षक ने जो अध्यापन किया है वो किस सीमा तक प्रभावशाली हुआ है। इसके भी तीन प्रकार हैं। जैसे व्यवहार परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं, तीन लेवल पे होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव इसमें जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो है नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। भावात्मक जैसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं उसमें फीलिंग और बिहेवियरल डेमोन्स्ट्रेटिंग और क्रियात्मक डूइंग। जैसे कॉग्निटिव डोमेन अगर हम करते हैं कि उनके व्यवहार में, विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस में अगर हम कहते हैं तो वो क्या कहता है कि जैसे इकोसिस्टम है उस वो डिफाइन कर सकता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो डिफाइन उसका वो डिफाइन कर सकता है, डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी एक्सप्लेन कर सकता है, और टाइम टू टाइम अगर कुछ चीजें बदल जाती है उसका भी वो कर्व के आधार पर वो एक्सप्लेन कर सकता है। अफेक्टिव डोमेन में क्या करता है, अफेक्टिव डोमेन बच्चों को इस बारे में हेल्प करता है इसमें कि वो इंटरेस्ट लेता है एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के बारे में, एनवायरनमेंट की कुछ चीजें अगर उसको सीखनी है तो वो भी सीखने के बारे में या सीखने में इंटरेस्ट लेता है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण बचाओ, इसमें भी वो इंटरेस्ट ले सकता है क्योंकि उसका अफेक्टिव डोमेन जो है वो उसका विकास हो रहा है। साइकोमोटर डोमेन में वो क्रिया से संबंधित है, साइक यानी क्रियात्मक पक्ष जो है उसमें वो क्या करता है, जैसे शाळेचा परिसर जर आहे तर शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी, घराची स्वच्छता ठेवण्यासाठी, आरोग्यविषयक सवयी ज्या आहेत त्या चांगल्या, स्वतःची स्वच्छता तशा प्रकारची गोष्टी करण्यासाठी तो, किंवा समाजसेवा जे म्हणतो आपण तशा गोष्टी करण्यासाठी तो प्रेरित होतो आहे। तशा प्रकारे या तिन्ही पातळीवर या ग्रुपचे अप्रोच झाले, लेसन प्लॅनिंग आहे। नंतरचा आहे
मेरिट्स ऑफ ब्लूम्स अप्रोच टू लेसन प्लॅनिंग इट बेस्ड ऑन सायकोलॉजिकल अँड सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स द ऑब्जेक्टिव्ज आर रिटर्न इन बिहेव्हिअरल टर्म्स म्हणजे जे काही ऑब्जेक्टिव्ज आपण लिहिणार आहोत जसं जे काही लेसन प्लॅन आपण बनवतो आहे कुठलाही लेसन प्लॅन किंवा कुठले कार्य आपण त्याची पहिले आधी उद्देश ठरवत असतो त्याचप्रमाणे याची सुद्धा आपण ब्लूम्समध्ये सुद्धा या अप्रोचमध्ये सुद्धा आपण पहिल्या याच्यामध्ये पायरीमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह ठरवले परंतु ही जी ऑब्जेक्टिव्ह आपण लिहित असतो किंवा ठरवत असतो ती ऑब्जेक्टिव्ह आपण जास्तीत जास्त बिहेव्हिअरल टर्म्समध्ये व्यवहार परिवर्तनाच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांमध्ये कोणता बिहेव्हिअरल चेंज आणायचा आहे त्याच्यानुसार आपण ती ठरवत असतो म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे असा वगैरे अशा प्रकारे आपण त्या युनिटच्या आधाराने सायन्स जर असेल तर तशा प्रकारची उद्दिष्ट आपण ठरवत असतो नंतर तिसरा आहे द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्ज आर ऑर्गनाइज फॉर अचीविंग द स्पेसिफाईड ऑब्जेक्टिव्ज जे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ज आपण लिहिलेले असतात ते स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ज आपण अचीव करण्याकरता जी आपण तशा प्रकारची सामान्य आणि विशिष्ट उद्दिष्ट अशा प्रकारची उद्दिष्ट आपण ठरवू शकतो ठरवल्या जातात इथे कारण काय की आपल्याला बिहेव्हिअरल चेंजेस विद्यार्थ्यांमध्ये पाहायचा असतो मग आपण कुठले एखादं समजा याच्यात उदाहरण असं मी सांगते की समजा आपण एखादं सूत्र किंवा समीकरण जर आपल्याला विद्यार्थ्यांना शिकवायचं असेल तर मग आपण आपलं एक ऑब्जेक्टिव्ह राहील की विद्यार्थी सूत्र सांगतो स्टुडंट टेल्स अस फॉर्म्युला द टीचिंग ऍक्टिव्हिटीज आर रिलेटेड टू द लर्निंग स्ट्रक्चर जे काही स्ट्रक्चर आहे ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा इथे आधी ठरवल्या जातात आणि बरोबर त्यांच्या अध्ययनाशी संबंधित अशा त्या ऍक्टिव्हिटीज त्यांच्या कुवतीनुसार पात्रतेनुसार त्या दिल्या जातात दिस टाईप ऑफ लेसन प्लॅन मेक्स द टीचिंग पर्पजफुल म्हणजेच काय की पर्पजफुल या मिनिंगफुल जे लेसन प्लॅन जो आहे तो लेसन प्लॅन हा अध्ययन काय करत असतो की पर्पजफुल किंवा मिनिंगफुल बनवत असतो त्याच्यामुळे हा जो लेसन प्लॅन आपण करतो त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये बिहेव्हिअरल चेंजेस येतात आणि अर्थपूर्ण असा हा लेसन प्लॅन किंवा जे आपलं अध्यापन आहे अध्यापन कसं होतं यामुळे अर्थपूर्ण होतं इट हॅज ग्रेटर स्कोप फॉर इम्प्रूव्हिंग अँड मॉडिफाईंग द लर्निंग एक्सपिरियन्सेस अँड द टीचिंग ऍक्टिव्हिटीज इट हॅज ग्रेटर स्कोप फॉर इम्प्रूव्हिंग अँड मॉडिफाईंग द लर्निंग एक्सपिरियन्सेस जे अध्ययन अनुभव आहेत ते अध्ययन अनुभव विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी खूप मोठा तिथे स्कोप असतो आणि त्याचप्रमाणे टीचिंग ऍक्टिव्हिटीज ज्या असतात त्या टीचिंग ऍक्टिव्हिटीजचा सुद्धा इथे फार मोठा या अप्रोचमध्ये फार स्कोप आहे कारण काय की इथे तिन्ही डोमेनचा विचार केला गेलेला आहे नंतर डीमेरिट्स ऑफ ब्लूम्स अप्रोच टू द लेसन प्लॅनिंग डीमेरिट्स दिस अप्रोच ऑफ लेसन प्लॅनिंग इज हायली स्ट्रक्चर्ड अँड मेकॅनाइज अँड डज नॉट प्रोव्हाइड फॉर ऑपॉर्च्युनिटी फॉर क्रिएटिव्हिटी अँड ओरिजिनॅलिटी ऑफ द टीचर इथे असं दिलेलं आहे त्यांनी की जसं आपण हर्बर्टियन मध्ये पाहिलं की जास्तीत जास्त शिक्षक केंद्रित ही पद्धती होती त्याप्रमाणे इथे त्यांनी म्हटलेलं आहे की जे लेसन प्लॅनिंग आहे हा हायली स्ट्रक्चर अँड मेकॅनाइज आहे आणि जी विद्यार्थ्यांमधली जी क्रिएटिव्हिटी आणि ओरिजिनॅलिटी आहे ती जास्तीत जास्त इथे विकसित होऊ शकत नाही असं तिथे म्हटलेलं आहे द मेंटल ॲबिलिटीज ऑर मेंटल प्रोसेस आर नॉट टेकन इन टू द कन्सिडरेशन इन रायटिंग ऑब्जेक्टिव्ज अँड बिहेव्हिअरल टर्म्स जिथे मानसिक क्षमता आहे ज्या मानसिक क्षमता आहे या मानसिक क्षमता या इथे कन्सिडरेशन म्हणजे किंवा गृहित घेतल्या नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे जे ऑब्जेक्टिव्ज जे घेतलेले लिहिलात आहे ते जास्तीत जास्त बिहेव्हिअर व्यवहार परिवर्तनाशी संबंधित परंतु तिथे मानसिक क्षमतांचा सुद्धा विकास करण्याच्या हेतूने उद्दिष्टांची उद्दिष्ट तशी ठरविली जात नाहीत असं दिसून येत आहे इट हॅज द ग्रेटर स्कोप फॉर पर्सनल फॅक्टर टू टीचर टू इन्फ्लुएन्स द प्लॅनिंग अँड ऑर्गनायझिंग टीचिंग ऍक्टिव्हिटीज वन टीचिंग ऍक्टिव्हिटी डज नॉट कन्फाइन टू वन डोमेन इट कन्सर्न विथ मोर दॅन वन डोमेन एक जी ऍक्टिव्हिटी घेतलेली आहे ती फक्त केवळ एकाच डोमेनसाठी नाही तर ती एकाच ऍक्टिव्हिटी मधून तिन्ही डोमेन चा आपण विकास करू शकतो
one teaching activity has not confined to one domain, it concerned with more than one domain. म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं की प्रत्येक याच्यामध्ये एकाच डोमेनचा नाही तर अनेक डोमेनचा विकास केलेला दिसून येतो. नंतरच आहे टाइप्स ऑफ स्किल. एक मिनिट, टाइप्स ऑफ लेसन प्लॅन तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे आरसीईएम अप्रोच टू लेसन प्लॅनिंग. आरसीईएम अप्रोच टू लेसन प्लॅन म्हणजे याच्यामध्ये हा तिसरा प्रकार आहे. याचं नाव आहे आरसीईएम. म्हणजे ह्या जो अप्रोच आहे किंवा हा जो लेसन प्लॅनचा प्रकार आहे हा याचं नाव या ज्या कॉलेजमध्ये हा डेव्हलप झालेला आहे त्या कॉलेजच्याच नावाने हा त्याचं त्या कॉलेजचंच नाव दिलेलं आहे. रिजनल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन म्हैसूर या नावानेच हे लेसन प्लॅन सांगितला जातो. तर या प्रकारच्या इस प्रकार की पाठ योजना में शिक्षण अधिगम क्रिया में उद्दीपन तथा अनुक्रिया की अपेक्षा उद्दीपन याने मोटिवेशन अधिगम क्रिया लर्निंग एक्सपीरियंसेस तथा अनुक्रिया की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा मानसिक क्रिया जो मेंटल एबिलिटीज आहे तिथे त्याला महत्व जास्त दिलं गेलं आहे. इस पाठ योजना के तीन पक्ष हैं. एक इनपुट, इनपुट ने इसमें जैसे हर्बर्टियन या ब्लूम्स ने देखा है तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ तीन पक्ष दिए. सिर्फ इनपुट में उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है. जैसे कि इसमें जो टीचिंग पॉइंट्स हम पढ़ाने जाए, जो विषय वस्तु है उसके टीचिंग पॉइंट्स है, वो टीचिंग पॉइंट्स तय किए जाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लानिंग जो है वो हम इसमें लिखते हैं, तय करते हैं, निर्धारित करते हैं. एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, जो भी हमें विद्यार्थियों में परिवर्तन लाना है वो कैसे है, अपेक्षित एक्सपेक्टेड, वो हम यहाँ पे निर्धारित करते हैं. टीचिंग एड्स, जो टीचिंग एड्स है जिसका यूज करना है विषय वस्तु के आधार पर उसका हम वो भी हम निर्धारित करते हैं. टीचिंग एड्स दो प्रकार के, जनरल एड्स एंड स्पेसिफिक एड्स. जनरल तो वो है वो हर एक विषय वस्तु को लगते ही है. स्पेसिफिक एड जैसे चार्ट है, मॉडल है, वो हम कौन सा चार्ट यूज करना है, वो चार्ट पे कौन सी डायग्राम यूज करना है उसका हम तय करते हैं. मॉडल अगर विषय कौन सी कंसेप्ट अगर ज्यादा सरल अगर हमको पढ़ानी है तो हम ये टीचिंग एड्स स्पेसिफिक एड्स का हम यूज करते हैं. उसके बाद दूसरी स्टेप है प्रोसेस. विद्यार्थियों में उचित परिवर्तन व्यवहार एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है. प्रक्रिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स ला सकते हैं. उद्देश्यों की परिपूर्ति की जाती है. शिक्षक विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अधिगम के अनुभव प्रदान करने के लिए जो सहायक सामग्री है, टीचिंग एड्स जो बोलते उस टीचिंग एड्स है, टीचिंग मेथड्स है तथा विभिन्न विकास के तरीकों का चयन करता है जिससे कि वह अपने शिक्षण के उद्देश्यों को सफल कर सके. इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों की क्रियाएं सम्मिलित हैं. जैसे प्रोसेस में जैसे हमने इनपुट में क्या किया है, उद्देश्य तय किया है, टीचिंग एड्स कौन से यूज करना है वो तय किया है, कौन सी विधि यूज करना है वो तय किया है वो, लेकिन इसमें प्रोसेस में हम वो पूरा प्रक्रिया में लाते हैं. जो विषय वस्तु है वो हम उस मेथड से पढ़ाते हैं. उसके बाद हम जैसे हम प्रत्यक्ष प्रेजेंटेशन मात्र या स्टेप मध्ये करत असतो. जे विद्यार्थ्यांना आपल्याला शिकवायचं आहे, जी उद्दिष्ट आपण ठरवलेली आहेत ती उद्दिष्ट आपण कितपत परिपूर्ण झाली किंवा नाही हे आपल्याला केव्हा समजेल, त्याचं जनरलायझेशन ऍप्लिकेशन आणि कॉम्प्रिहेन्शन. जसं सायन्स जर असेल तर आपण आपल्या त्याच्यामध्ये काय होईल की जनरलायझेशन होईल. म्हणजेच काय,
विद्यार्थ्यांना एखादा सिद्धांत आपण शिकवला तर त्या सिद्धांताचं तिथे सामान्यीकरण जर विद्यार्थी करत असतील तर ते म्हणजे ह्या इव्हॅल्युएशन टेक्निक जी आहे त्याच्यामध्ये आपल्या लक्षात येईल. ऍप्लिकेशन जसं सोशल सायन्समध्ये एखाद्या आदर्श व्यक्तीचं जर आपण महात्मा गांधींबद्दलची माहिती दिली, टिळकांबद्दलची माहिती दिली सोशल सायन्सच्या अंतर्गत, किंवा दळणवळणाचे काही प्रकार आपण विद्यार्थ्यांना सांगितले, नंतर वेगवेगळी दळणवळणाची साधनांबद्दल माहिती सांगितली, तर अशा प्रकारे विद्यार्थी त्याचं अनुकरण करतील किंवा त्याचा उपयोग करतील आणि त्याबद्दलची माहिती ते विद्यार्थी सांगतील, आदर्श व्यक्तींचं अनुकरण करतील. हे झालं ऍप्लिकेशन. कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे हे कॉम्प्रिहेन्शन जे आहे ते लँग्वेज मध्ये जसं हिंदी आहे, इंग्लिश आहे, संस्कृत आहे, ते ह्या सगळ्या लँग्वेजेस मध्ये हे कॉम्प्रिहेन्शन होत असतं. म्हणजे जे काही त्याचा तो समजा जे काही त्यांनी कठीण शब्द सांगितला असेल किंवा एखादं वाक्य, एखादं कविता, एखादी गोष्ट विद्यार्थ्यांना शिकवल्यानंतर ती गोष्ट तो वाक्याचा अर्थ विद्यार्थी आपल्या शब्दात सांगतात, एखादे वाक्य प्रचार असेल त्याचा वाक्यात उपयोग करतो, तर अशा प्रकारे हे ह्या क्रिया त्या विद्यार्थ्यांचं घडून येतात विद्यार्थ्यांमध्ये. आणि मग आपलं जे काही उद्दिष्ट आहे त्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं, ते उद्दिष्ट ठरवलेलं उद्दिष्ट कितपत सफल झालं किंवा परिपूर्ण झालं हे याच्यावरून आपल्याला समजून येतं. अशा प्रकारे इनपुट, त्यानंतर प्रोसेस, आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटची आणि तिसरी हे म्हणजे आउटपुट. यामध्ये काय होतं की इस सोपान के अंतर्गत उन वास्तविक व्यवहार परिवर्तनों को निर्दिष्ट किया जाता है जो वास्तव में विद्यार्थी प्राप्त करने में सफल हो. इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक विविध इवेल्युएशन टेक्निक का उपयोग करता है जिसके द्वारा विविध टेक्निक का उपयोग करता है जिसके द्वारा वह समझ जाता है कि जो उद्देश्यों को हमने तय किया था कि वो विद्यार्थियों किस हद तक प्राप्त किए हैं और शिक्षक का अध्यापन आप किस हद तक प्रभावशाली था, यह उसी को समझ में आता है. और शिक्षक को अगर अपना जो अध्यापन है वो अगर किस हद तक प्रभावशाली है या फिर उसको उसमें वो जो सुधार लाने की आवश्यकता है या नहीं, या जो मेथड उसने यूज की है उसको चेंज करना है या नहीं, वो बराबर थी या नहीं, ये सब उसको समझ में आता है. इसके बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ स्किल. टाइप्स ऑफ स्किल्स, पहला है सेट इंडक्शन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल्स ऑफ यूजिंग ब्लैकबोर्ड, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट, स्किल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड स्किल ऑफ इल्लुस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स. और भी बहुत सारे स्किल्स हैं लेकिन ये जो है ये मेन स्किल है. तो जैसे हम पढ़ाने जाते हैं, जैसे हमने अभी तक ये पढ़ाया देखा है कि हाँ लेसन प्लान है, लेकिन क्लास में अगर हम पढ़ाते हैं तो ये सब जो स्किल्स है ये स्किल्स का इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए. जैसे ये स्किल अगर हमको पता है, इसके बारे में हमने अगर पढ़ाई की है, या ये हमने ये अगर हम हमारे पास है तो हम उसको अप्लाई क्लास में कर सकते हैं. जैसा पहला है सेट इंडक्शन, इसको प्रस्तावना भी कर सकते हम कहते हैं, या पाठ का प्रारंभ भी कहा जाता है. इस कौशल के अंतर्गत प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज को लिंक करना होता है. हम ये जो प्रस्तावना है या इंट्रोडक्शन है ये कथन पद्धति से करते हैं, प्रसंग निर्मिति करके कर सकते हैं, नाट्यकरण पद्धति से कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग मेथड से, क्वेश्चन आंसर मेथड से भी कर सकते हैं, या किसी चार्ट मॉडल जो एवीएट से वो बताकर वो एक्सप्लेन करके भी हम कर सकते हैं. फिर ये कैसे करना चाहिए, तो ये जैसे आगे हम क्वेश्चनिंग वगैरह स्किल पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है. स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन दूसरा स्किल जो है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसको स्पष्टीकरण कौशल्य कहते हैं. अभी अगर हमारा स्पष्टीकरण कौशल्य ही ठीक नहीं है तो हम जो भी बच्चों को विषय वस्तु पढ़ाने जाते हैं वो स्पष्ट रूप से बच्चों को
क्या विद्यार्थियों को समझ नहीं सकते हैं, या हम भी, हमारा भी अध्यापन है वो प्रभावशाली नहीं होता है। इसकी जो कंपोनेंट है वो है कथनों में तारतम्यता, जैसे कोऑर्डिनेशन इन स्टेटमेंट्स। व्याख्यान के दौरान हम जो भी वाक्यों का उपयोग करते हैं या शब्दों का उपयोग करते हैं उसमें तालमेल होना जरूरी होता है। अगर उसमें तालमेल नहीं है तो उसका अर्थ भी बदल सकता है। और जो कंसेप्ट या संकल्पना हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चों को प्रॉपर या उसका प्रॉपर मीनिंग बच्चों को समझता नहीं है। दूसरा है असंबंध कथनों का अभाव, लैक ऑफ इरिलेवेंट स्टेटमेंट। प्रस्तुतिकरण के दौरान जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी से संबंधित कथनों का अधिकतर प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में, जो भाषा में हम पढ़ाने जा रहे हैं या विषय वस्तु का हम स्पष्टीकरण करते समय शिक्षक की भाषा में प्रवाहितता होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। सभी विद्यार्थी सुगमता एवं सरलता से उनके विचार को सुन सके। अगर उनके भाषा में सुगमता होगी, फ्लुएंसी होगी, तो सभी विद्यार्थी उस अच्छे से समझ सकते हैं। परस्पर जोड़ने वाले शब्द, जैसे हम लिंकिंग वर्ड्स जो कहते हैं, वो लिंकिंग वर्ड का भी प्रॉपर यूज अगर ये एक्सप्लेनेशन में करना चाहिए। स्पष्ट प्राथमिक कथन, जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं वो उसी की व्याख्या करने से पहले हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक का हम तो वो टॉपिक बच्चों को या विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से हमने बताना चाहिए। यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड, जो भी वर्ड हम या शब्द हम यूज करते हैं, जैसे हम किसी घटना का वर्णन करते हैं तो स्पष्टीकरण करते समय प्रॉपर वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी होता है, या फिर नहीं तो विद्यार्थी क्या होते हैं, विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। थर्ड है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। जैसे स्टिमुलस वेरिएशन स्किल जो है वो है, सिंपल है कि जैसे हम किसी को अगर पढ़ाने, विद्यार्थियों को पढ़ाने जाते हैं तो एक कुछ भी अगर हालचाल न करते हुए या एक ही सुर में अगर हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। इसीलिए वो जो एक्टिविटीज है टीचर्स की, वो एक्टिविटीज भी ठीक होनी चाहिए, उसमें भी बदलाव होना चाहिए। इसीलिए ये स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट है बॉडी मूवमेंट, शरीर संचालन। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक की शारीरिक क्रियाएं जो है वो बहुत महत्व रखती हैं। जैसे एक जगह अगर खड़े होकर शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो भी विद्यार्थियों को या बोर होता है, या उनका एक ही जगह, या कोई टीचर ऐसे है कि एक ही तरफ देखते हुए सभी पूरा यूनिट पढ़ा देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो टीचर का और स्टूडेंट का आई कांटेक्ट होना ये भी बहुत जरूरी होता है, और टीचर की जो मूवमेंट है वो भी सही तरीके से होनी चाहिए, या फिर एक तो ज्यादातर ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर चलते रहना, घूमते रहना क्लास में, ये भी नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर उनकी जो है शरीर संचालन जो बोलते हैं या बॉडी मूवमेंट है वो होनी चाहिए। हावभाव या भाव मुद्रा, जैसे उनके आंखों के संकेत है, सिर हिलाना है, हाथ हिलाना है, आवाज में जैसे चेहरे पर उनके हंसी के भाव या दुखद के भाव, जैसे दुखद कविता अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके चेहरे पर भी वैसे तरीके से उसी तरीके के भाव होना चाहिए। आवाज में चढ़ उतार लाना, जैसे एक किस सुर में पढ़ाने जा रहे हैं तो विद्यार्थियों को इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो शिक्षक के आवाज में भी चढ़ उतार होना जरूरी होता है, एक चेतक बदल के लिए जरूरी है। शिक्षक विद्यार्थी में अंतःक्रिया का प्रारूप में परिवर्तन, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। जैसे सिर्फ क्लास में शिक्षक ही पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी सुनते सुनते उनका ध्यान दूसरी जगह, जैसे वो शारीरिक रूप से क्लास में
रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन मन में उनके दूसरे विचार चालू रहते हैं। इसीलिए इंटरेक्शन जो है टीचर्स और स्टूडेंट में होना जरूरी है। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड वर्क, जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसका भी प्रॉपर यूज होना जरूरी है। जैसे लेखन की स्पष्टता, उनका हैंडराइटिंग ठीक होना चाहिए और स्पष्ट रूप से उन्हें जो भी लिखा है ब्लैक बोर्ड पे वो अच्छे से लिखना चाहिए। जो भी कार्य अगर शामपट पे या ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं वो कैसा है, कैसा चाहिए, नीट एंड क्लीन चाहिए। अक्षरों का उचित आकार, जैसे क्लास में अगर 25 ही बच्चे तो उनको दिखने के लिए जैसे अक्षरों का आकार होना चाहिए उतना चाहिए, ज्यादा बड़े होंगे तो या उसके साइज के आधार पर। और अक्षरों का आकार ऐसा होना चाहिए कि वो जो भी उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो लास्ट बेंच में जो बैठा है बच्चा उसको भी दिखना चाहिए। दो अक्षरों के बीच समुचित स्थान, प्रॉपर डिस्टेंस इन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स में जितना प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए उतना उन्होंने रखना चाहिए। वाक्यों के लाइन में लिखना, वाक्यों को राइट अ सेंटेंस इन स्ट्रेट लाइन, जैसे एक लाइन में ठीक से एक वाक्य उन्होंने लिखना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस के कुछ भी दो शब्द ऊपर लिखे फिर नीचे लिखे ऐसा लिखते जा रहे कैसा भी, तो वो बच्चों को ठीक से नहीं समझ जाता है। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, जैसे मेन वर्ड्स जो है उसको भी क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। और यूज कलर चॉक, जैसे मेन पॉइंट्स या हाईलाइट करने के लिए अपना जो ब्लैक बोर्ड वर्क है उसके लिए उन्होंने उनको क्या करना चाहिए, जो कलर चॉक है उसका भी यूज करना चाहिए। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग पांचवा है, स्किल ऑफ प्रश्न कौशल्य, ये जो प्रश्न कौशल्य है, प्रश्न कौशल्य जैसे मैं बाद में भी आपको जैसे आप लिखते हैं उसके बारे में तभी बता दूंगी, लेकिन उसके कंपोनेंट जैसे प्रश्न हम क्लास में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कैसे पूछना चाहिए, ये पूरा हम हमारे बीएड में अगर एक एक स्किल पढ़ाते हैं, 1.5 घंटे में एक स्किल पढ़ाते हैं, उसके कैसे कैसे कहूँ, कैसा करना, कैसा पढ़ाना है, कैसा नहीं पढ़ाना है, कौन से क्वेश्चन पूछना है, कैसे कौन से क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्वेश्चन की वाक्य रचना कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, ये सब हम पढ़ाने जाते हैं ये कौशल के अंतर्गत। मेन जो है मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगी। जैसे हम बच्चों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसको प्रॉबिंग क्वेश्चन कहते हैं, तो उनको संकेत देते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर हमने क्वेश्चन पूछा है तो वो नहीं अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा, लेकिन कुछ उसने कुछ उसको अपन मोटिवेट करते हैं आंसर देने के लिए, उसको कुछ संकेत देते हैं तो वो अपने आंसर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। विस्तृत सूचना प्राप्ति, जैसे वो कक्षा अपना हम अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन वो अगर आधा उत्तर देता है या आंशिक रूप से उसका सही उत्तर देता है तो पूरा आंसर देने के लिए हम उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको विस्तार से समझाओ क्या तुम्हें समझ में आया है, वो अपने शब्द में बताओ, ऐसा करते करते उसके उसको उसके मेंटल एबिलिटीज या उसकी विचार शक्ति को तान देते हुए वो क्या करता है, उसका सही आंसर दे सकता है। सभी सूचना जो हमने दिए उसको एकत्रित करके वो अपने क्वेश्चन का सही आंसर दे सकता है। पुनर्केंद्रीकरण, रिफोकसिंग, कई बार शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तरों से सही या संतुष्ट नहीं होते, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उनका जो ध्यान है वो विभिन्न परिस्थितियों में आकर्षित करते हैं और जैसे उनके जो समस्या पैदा हो सकती है इसमें वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जैसे संभव हो सकता है, जैसे उसका उसको एक कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो दूसरा कंसेप्ट का एग्जाम्पल देके उसको वो कंसेप्ट समझा के वो कंसेप्ट के बारे में हम उसका क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर हम ले सकते हैं। और जैसे उसके क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछते हैं कि उसमें जो पढ़ाया गया है क्या या नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका जो है वो हम क्या करते हैं कि वो उसमें जिज्ञासा पैदा करते हैं, क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप करते हैं। फिर लास्ट स्किल ऑफ रिएनफोर्समेंट, स्किल ऑफ रिएनफोर्समेंट जैसे पुनर्बलन कौशल, तो पुनर्बलन जैसे अपन हम
हमेशा क्लास में पढ़ाते टाइम किसी विद्यार्थियों ने अगर अच्छा आंसर दिया तो उसकी प्रशंसा करते हैं उसको, जैसे मैं समझ गया, आई एग्री विथ यू, राइट थिंकिंग, यस राइट, यू आर राइट, ऐसे हम उसको बताते हैं, या तुमने सही बताया है, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ, ऐसे शब्दों का हम उपयोग करते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, जैसे बहुत अच्छा, सुंदर, अति उत्तम, वेरी गुड, ऐसा उसको मोटिवेट करते हैं, इसको कहते हैं पुनर्बलन कौशल। ये है शाब्दिक, और अशाब्दिक पुनर्बलन का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे सिर हिलाना, मुस्कुराना, ध्यानपूर्वक उनको सुनना, उनकी पीठ थपथपाना, ये है स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट। ऐसा हम हमेशा करते हैं, लेकिन ये ऐसा इसको स्किल ऑफ रीएनफोर्समेंट कहते हैं, ऐसा आपको शायद पता नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं होगा, जिन्होंने बीएड किया है, ये कोर्स किया होगा, उसको सबको ये स्किल के बारे में पता ही भी होगा। स्किल ऑफ इलुस्ट्रेशन विद एग्जांपल, जैसे हम कोई कंसेप्ट अगर समझाते हैं उसके लिए हम कुछ उदाहरण देते हैं, दाखले देते हैं, एग्जाम्पल क्लास में अगर बताते तो उसके आधार पर शिक्षक इन कौशल्य का उपयोग करता है, विषय वस्तु को स्पष्ट हेतु से विद्यार्थी को या सरल बनाने हेतु हम ये उदाहरण या एग्जाम्पल क्लास में देते हैं, और इसके जो है कि सरल, इसके लिए क्या करना है, उदाहरणों का, सरल उदाहरणों का अपने को चयन करना है, उदाहरण जो हम क्लास में देते हैं वो रुचिकर होना चाहिए, उसमें बच्चों को रुचि होनी चाहिए। फिर लास्टली जो है वाला स्किल ऑफ ऑडो विजुअल एड्स, वो समय खत्म होते जा रहा है, मैं समझ रही, स्किल ऑफ ऑडो विजुअल एड्स जो है वो मैं डिटेल में आपको, जैसे बाद में हम हाउ टू यूज प्रिपेयर लेसन प्लान जो सेकंड लेक्चर है उसमें आपको मैं ये स्किल के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगी, ठीक है? धार्मिक मैडम, इथपर्यंत आपण हे सगळं शिकलो आहे, टाइप्स ऑफ स्किल, टाइप्स ऑफ लेसन प्लॅन, हे बेसिक आयडिया वगैरे, कोणाला काही जर प्रश्न असतील तर मला तुम्ही विचारू शकता। समजलं का? पूछ लीजिए आप लोगों को, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। मॅडम, हे जे आरई सीएम जे लेसन प्लॅन जे आहे, हां, त्याचं ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन कुठे कसं करावं लागतं? सर, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे आपण क्लासमध्ये करू शकतो, त्यांच्या ज्या स्टेप्स आपण सांगितल्या तीन, इनपुट, प्रोसेस आणि आउटपुट, त्याच्याप्रमाणेच आपण लेसन प्लॅन लिहायचा। ओके, जसं आता हा, आणि त्याच्यामध्ये इनपुट मध्ये जे आपण ऑब्जेक्टिव्ह जे घेऊ ना, ते ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला तिन्ही डोमेनवर आधारित घ्यावे लागतील, कॉग्नेटिव्ह, अफेक्टिव्ह आणि सायकोमोटर, म्हणजे काही ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा विद्यार्थ्यांना आपल्याला देता येतील, त्याच्या सुद्धा आपल्याला हे करावं लागेल, म्हणजे विद्यार्थी प्रयोगाचे साहित्य हेतू हाताळतात वगैरे जे आहे ना, तशा प्रकारचे उद्दिष्ट सायन्स जर आपण घेत असू तर। आपण कोणता विषय शिकवता सर? मी कम्प्युटर सायन्स। कॉम्प्युटर सायन्स शिकवता, तर मग सर तुम्ही वेब डिझायनिंग किंवा जे काही तुमचे विषय असतील, आता मी तितकं त्याच्यात नाही, पण जर ते आपण तुम्ही घेत असाल तर मग ते विद्यार्थी करू शकतील, स्किल त्यांच्यामध्ये जे डेव्हलप होईल तशा प्रकारचं घेऊन मग तुम्ही ते करू शकता सर, उद्दिष्ट घेऊन, मग प्रोसेसमध्ये तुम्हाला ते घ्यावं लागेल। ओके, थँक्यू। आणि आउटपुट त्याच्यासाठी इव्हॅल्युएशन टेक्निक्स युज करावे लागतील। काही फॉर्मॅट वगैरे आहे का? सर फॉर्मॅट हाच आहे, सर हाच फॉर्मॅट आहे। इनपुट पहिले वरती तुम्ही तुमचं विषयाचं नाव, विषयवांश लिहाल जसं मी जे सांगेल आधी त्या याच्यामध्ये, आणि तुमचा हे म्हणजे वर्ग वगैरे सगळं तुम्ही लिहाल, म्हणजे विषय, विषयांश, तुमचा वेळ, दिनांक, हे सगळं लिहाल, जे म्हणजे आपण जे रेग्युलरली युज करतो तेच कॉलम युज करायचे लिहायचं, आणि मग हे तीन कॉलम युज करायचे, इनपुट, प्रोसेस आणि आउटपुट, ऍडिशनल थ्री कॉलम युज करायचे, ठीक आहे? हा हा, तीनच कॉलम। फॉर्मॅट तुम्ही त्यांना दाखवाल ना, आपण जो फॉर्मॅट आता डिस्कस करतोय? नाही सर, आता हा मी हर्बर्ट यांच्या यांनी दाखवेल मॅडम, हे इझी जातं ते। ओके ओके ओके, हा।
आणखी कोणाला काही क्वेरीज आहेत? हो मॅम. हॅलो मॅम. हॅलो 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 एक एक जण पूछिए. मेश्राम सर एक एक जण पूछिए. ओके ओके मैम, ये जो हैंडआउट जो बनाते हैं हम सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, तो जैसे आप ये बता रहे हो लेसन प्लान, तो वो उसको इम्प्लीमेंट हम हैंडआउट में करते हैं, तो जो आपने जो एक्स्ट्रा तीन कॉलम बताए वो तो नहीं लेते हैं हम फिलहाल. तुम्हें मला मराठीत मराठीत विचारला तरी चालेल सर. अच्छा मैम, ये जो हैंडआउट मराठीत विचारा, ये जो हैंडआउट बोलतो आफ्टर बिफोर स्टार्टिंग इच सेमिस्टर, प्रत्येक सेमिस्टर स्टार्ट व्हायच्या आधी आम्ही हँडआउट बनतो रिगार्डिंग दॅट सिलेबस. तर जे सिलेबस मध्ये जे आहे, जसं युनिट वन युनिट टू फॉर एक्झाम्पल, युनिट वन असेल तर त्या युनिट वनचे आम्ही लेसन प्लान इन द सेन्स कसं की याला 7 lectures लागणार आहे, तर 7 lecture मध्ये आम्ही काय काय शिकवणार आहे आणि ट्युटोरियल मध्ये इन्क्लूड बनवून बनवतो, तर हेच नथिंग बट लेसन प्लान म्हणता येईल का सर? एक मिनिट, जसं आपण जसं मी सांगितलं तुम्हाला वार्षिक नियोजन युनिट प्लॅनिंग, जसं आपल्याला आता सेमिस्टर आपलं 6-6 महिने 3-3 महिन्याचं असतं, त्याच्यासाठी आपल्याला 4-4 युनिट किंवा 5 युनिट दिलेले असतात, हा लक्षात, ठराविक कालावधी दिलेला असतो. आवाज येतोय सर? यस मॅम. हा, तर ठराविक कालावधी दिलेला असतो किंवा आपल्याला 30 पिरियड किंवा 60 पिरियड दिलेले असतात, या 30 पिरियड मध्ये तुम्ही तुमचा हा युनिट तुम्हाला पूर्ण करायचे आहे. परंतु एक लक्षात घ्यायचं की काही युनिटला आपल्याला 2 पिरियड लागतील किंवा 4 पिरियड लागतील, पण समजा दुसरं जे युनिट आहे त्याला आपल्याला कदाचित 6-7 पिरियड लागू शकतात, कारण की ती जी कन्सेप्ट आहे ती कठीण आहे विद्यार्थ्यांना समजून सांगण्यासाठी. हे आपण ठरवायचं असतं सर, उद्दिष्ट ठरव. हा, आणि मग त्याचं ते वाटप करून रोजचा एक जो 45 किंवा 50 मिनिटाचा जो तुमचा पिरियड राहील ना, तो लेसन प्लॅन राहील. ओके. हा ठीक आहे सर. आणखी कोणाला विचारायचं? गुड आफ्टरनून मॅम. गुड आफ्टरनून. मला मॅम हे विचारायचं होतं की आपण जे टीचिंग प्लॅन बनवतो ते आपण युनिट वाईज वर बनवतो, आणि बेसिकली आमचं बॅकग्राऊंड जे आहे सायन्स बॅकग्राऊंड आहे, तर मग त्याच्यामध्ये मोस्टली ते सायंटिफिक टर्मिनॉलॉजीज राहतात त्याच्यामध्ये, तर मग हे सायंटिफिक टर्मिनॉलॉजीज आहेत तर त्यांना जास्त इफेक्टिव्हली आपण कसं ते टीचिंग प्लॅन आउटकम त्याच्यातून आपण क्रिएट करू शकतो त्याला. सर आपण जे युनिटच्या आधारावर तुम्ही म्हटलंय ना, तर आपण एका युनिटसाठी आपल्याला किती पिरियड लागतात ते करू आपण, म्हणजे त्याला युनिट प्लॅनिंग म्हणतात सर. आलं लक्षात? एका युनिटला 4 पिरियड लागत असतील, आणि मग एका युनिट एका पिरियड मध्ये जो 50 मिनिटाचा जो भाग आहे आपण ती कन्सेप्ट विद्यार्थ्यांना शिकवायची आहे. एक समजा प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड जर आपल्याला शिकवायचं आहे, तर ते आपण काय करू, प्रायोगिक मेथडने शिकवू, एक्सपेरिमेंटल मेथडने शिकवू. आणि मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, एक तर तुम्ही प्रत्यक्ष वर्गात प्रयोग करून शिकवाल किंवा मग चार्टच्या आधाराने शिकवाल. समज लक्षात आलं? हो मॅम. हॅलो मॅम. हॅलो मॅम. मॅम टीचिंग प्लॅन आणि लेसन प्लॅन मध्ये काय डिफरन्स आहे की? मॅडम टीचिंग प्लॅन कोणीच म्हणत नाही मॅडम, लेसन प्लॅन म्हणतात, डेली लेसन प्लॅन म्हणतात. ओके, म्हणजे टीचिंग प्लॅन जर कॉलेजमध्ये असं वर्ड कोणी म्हणतात तर त्याला लेसन प्लॅनच समजायचं ना? हा समजायचं, लेसन प्लॅन. मग किंवा टीचिंग प्लॅन जर आले तर त्याच्यात 3 भाग येऊ शकतात, इयरली प्लॅन, युनिट प्लॅन आणि लेसन प्लॅन. कारण आमच्या कॉलेजमध्ये टीचिंग प्लॅन प्लस लेसन प्लॅन दोन्ही पण सबमिट करा असं सांगतात, मग आम्ही कन्फ्यूज होऊन जातो काय मॅडम. हा, तर मग मॅडम तुम्हाला जर समजा एक विषय दिला असेल आणि पूर्ण सिलेबस त्याचा जर असेल सेमिस्टर वाईज, तर तुम्हाला ते जसं आधी पहिले इयरली हे होतं की नाही आपला पॅटर्न, आता सेमिस्टर वाईज, तर मग तुम्हाला पहिले सेमिस्टर प्लॅन करावं लागेल, म्हणजे इयरली नियोजन सारखं त्या युनिटचं पूर्ण एक, आणि मग युनिट प्लॅन करावं लागेल आणि मग लेसन प्लॅन. ओके मॅडम. लेसन प्लॅन हे पूर्ण लेसनचं असते की फक्त पॉइंट वाईज हे असते? म्हणजे मॅडम मी तुम्हाला पुढचं लेसन प्लॅनिंग, मॅडम मी तुम्हाला
मॅडम मी तुम्हाला पुढच्या पिरियड मध्ये हाऊ टू प्रिपेअर लेसन प्लॅन शिकवेल, म्हणजे मग तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे ठीक आहे, कारण की आता तेवढंच एक्सप्लेन करणं कठीण आहे. मॅडम ऍक्च्युली लेक्चर ऑफ 60 मिनिट्स असेल तर विद्यार्थ्यांचा जो अटेन्शन स्पॅन आहे तो सायंटिफिकली हा 17 ते 20 मिनिटाचा आहे, त्यामुळे एखादं लेक्चर अत्यंत इफेक्टिव्ह किंवा अत्यंत विद्यार्थ्यांना म्हणजे त्यांचं लक्ष विचलित होऊ द्यायचं नसेल तर या व्यतिरिक्त म्हणजे फक्त आपण याची मांडणी विषयाची मांडणी असेल. हा तर त्याच्यासाठी सर मी हे स्किल्स ऑफ लेसन प्लॅन शिकवले, टाइप्स ऑफ स्किल्स शिकवले. जसं मी स्टिम्युलस व्हेरिएशन जे शिकवलं तुम्हाला ते त्याच्यासाठी की विद्यार्थ्याचं लक्ष एका विषयाकडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे, तिसऱ्याकडून पुन्हा पहिल्याकडे असं जे केंद्रित करत असतो आपण. जसं उदाहरणार्थ जर तुम्ही पार्ट्स ऑफ फ्लावर शिकवत आहात विद्यार्थ्यांना तर तुम्ही पहिले फ्लावरच्या पार्टची माहिती तोंडी शिक्षक विद्यार्थ्यांना सांगाल. आलं लक्षात की फुलांचे इतके भाग आहे, सपुष्प वनस्पतीचे या पार्टचे फुलांचे असे असे पार्ट्स आहेत वगैरे, हे सगळे 1-2-3 पार्ट तुम्ही विद्यार्थ्यांना सांगाल. पण जसं तुम्ही जास्वंदाचं फुल हातात घ्याल तर विद्यार्थी काय करतील, तुमच्याकडे बघतील की फुलाकडे बघतील? फुलाकडे बघणार, फुलाकडे बघतील. मग तुम्ही हे सगळं सांगितल्यानंतर त्याचे एक एक पार्ट वेगवेगळे करून याला हे म्हणतात ते सांगितल्यानंतर तुम्ही ते फुल पुन्हा खाली ठेवून वर्गामध्ये त्याची एक एक जो बारीक पार्ट आहे, समजा पाकळीचा आकार किंवा फुंकेसर वगैरे याचं जे आहे त्याचे आकृती चार्टवर दाखवाल किंवा फळ्यावर काढून दाखवाल, त्या विद्यार्थी तिथे पाहतील. म्हणजे त्यांचं लक्ष एकाकडून दुसऱ्याकडे, दुसऱ्याकडून त्याच्याकडे अशा करता असताना सतत आपल्या विषयाकडे त्यांचं लक्ष केंद्रित करायचं. नंतर मी आवाजात चढ उतार सांगितला तर तुम्ही एका सुरात विद्यार्थ्यांना शिकवाल तर वर्गातले विद्यार्थी झोपतील नाही तर काय, त्यांना तुमच्या विषयात रुची वाटणार नाही. पण जर तुम्ही आवाजात, जसं समजा उदाहरणार्थ मी सांगितलं की आपण एक साधारण एक वाक्य समजा मराठी विषय शिकवतो आहे आणि त्याला अबब केवढा मोठा हा साप, तुम्ही अगदी एका सुरात जर म्हटलं अबब केवढा मोठा हा साप त्या विद्यार्थ्यांना त्याच्यात काही वाटणारच नाही. पण तेच जर वाचताना तुम्ही म्हटलं अबब केवढा मोठा हा साप, म्हणजे त्याच्या चेहऱ्यावर सुद्धा तुमच्या एक्सप्रेशन येतात आणि तुमच्या आवाजात सुद्धा तेवढा चढ उतार येतोय, त्याच्यामुळे ते विद्यार्थ्यांचं लक्ष आपल्या विषयाकडे केंद्रित राहतं आणि त्याचा योग्य तो अर्थ त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचतो. तर त्याच्याकरता हे जे स्किल्स मी तुम्हाला शिकवले अगदी फार कमी मुख्य मुख्य स्किल्स सांगितले, तर ते जर तुम्ही पाहिले वाचले बारकाईने तर तुमच्या चांगलं लक्षात येईल आणि तुमचं अध्यापन जे आहे तुम्ही अतिशय प्रभावीपणे प्रभावशाली करू शकाल. बरोबर, थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच. मॅडम नमस्कार. सर मी विचारू की तुम्ही विचारणार? सर मी विचार. हा चालेल सर, मग मी विचारा. सर आवाज नाही येत आहे तुमचा. मॅडम आवाज येतोय का? हा हा आता येतोय. मॅडम मी सोशल वर्कचा अभ्यास करणार आहे. तर मॅडम आमचे म्हणजे आपण स्किल लॅबोरेटरी वगैरे फील्ड वर्कच्या माध्यमातून होते, पण काही इनडोर आणि आउटडोर गेम्स जे आहेत ते पण आपण प्लॅन करू शकतो का मॅडम? सर ते थोडस फिजिकल एज्युकेशनशी संबंधित राहील पण आम्ही अशा प्रकारे प्लॅन करता येईल. पण सर पण तुम्हाला ते थोडस या पद्धतीने नाही तो प्लॅन करता येणार सर, त्याच्यासाठी फिजिकल एज्युकेशनच्या सरांना थोडस विचारावं लागेल तुम्हाला, शारीरिक शिक्षकांना. की ते तसा प्लॅन कसा करता येईल तुम्हाला, कागदोपत्रिके हा गेम विद्यार्थ्यांना, मग या गेमचे नियम तुम्ही विद्यार्थ्यांना सांगू शकाल. आलं का लक्षात नियम विद्यार्थ्यांना कोणकोणते सांगायचे आहे, मग हे नियम सांगितल्यानंतर विद्यार्थी त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग करून खेळतो का हे तुम्हाला बघायचं आहे. मॅडम नमस्कार. नमस्कार सर.
मॅडम प्लॅनिंगचा अर्थ व्हॉट इज टू बी डन इन फ्युचर डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स असा होतो आणि लेसन प्लॅनचा अर्थ म्हणजे ब्ल्यू प्रिंट ऑफ लेसन बिफोर ऍक्च्युअल क्लासरूम टीचिंग असा होतो. जर आपण सगळे शिक्षक आहात आणि सगळे शिक्षक जर विद्यार्थ्यांना जे पाहिजे आहे म्हणजे त्यांना थिओरॉटिकल जे नॉलेज पाहिजे आहे प्रॅक्टिकल जे नॉलेज पाहिजे आहे ते जर शिक्षक एक देऊ शकत असेल आणि लेसन प्लॅन म्हणजे आपल्याला क्लासरूमला शिकवण्याच्या आधी जर मला त्याचं एक कारकुनी वर्क किंवा क्लरिकल वर्क करायचं असेल आणि त्याच मेथडनी जर मला जायचं असेल आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी मला शिकवण्याची एक म्हणजे रसाळता कमी होत असेल तर बिंदास टीचिंग हे छान आहे की एकदम प्लॅनिंग करून अप्रोप्रिएट टीचिंग करणं हे खूप छान आहे. म्हणजे मला समजलं सर, तुमचं असं म्हणणं आहे की लेसन प्लॅन करण्याची गरज नाही, डायरेक्ट वर्गात जायचं आणि शिकवायला सुरुवात करायची. माझा प्रश्न असा आहे की आपण लेसन प्लॅन करून आपण टीचिंग करतो आहे म्हणजे काय शिकवायचं हे आधी हे कागदोपत्री ठरवून घेतो आहे म्हणजे वेळेच्या नुसार क्लासच्या नुसार मला कोणत्या क्लासला काय शिकवायचं आहे हे सगळं हे आपण लेसन प्लॅन मध्ये डिझाईन करतो आहे. आणि जर असं प्लॅन करताना मला जर वेळ जात असेल आणि मला त्याच मेथडनी जर म्हणजे माझ्याकडे जर थोडासा वेळ कमी पडला किंवा पोरांनी मला जास्त प्रश्न विचारले म्हणून तेवढा मुद्दा राहून गेला आणि मला समोरच्या याच्यामध्ये माझा लेसन होणार नाही म्हणून मी समोरचा भाग घ्यायला सुरुवात केली असं करण्यापेक्षा जर विदाऊट लेसन प्लॅन जर आम्ही ते शिक्षण किंवा ती गोष्ट विद्यार्थ्यांना अगदी अप्रोप्रिएट देत असेल तर मग लेसन प्लॅनचं महत्व कितपत आहे असा माझा प्रश्न आहे मॅडम. अच्छा अच्छा सर, असं आहे की तुम्ही जे म्हणत आहे जसं आपण एक आहे म्हण की शिक्षक हा जन्मजात असतो, घडविता येत नाही पूर्वी जॉब बनण्याशिवाय. परंतु आता अशी परिस्थिती आहे की शिक्षक हा जन्मजात असतो, त्यात काही कलागुण असतात परंतु तो घडविता पण येतो. आलं का लक्षात हे जे आपण टीचर ट्रेनिंग जे दिलेलं आहे. तर जसं तुम्ही म्हटलंय की लेसन प्लॅन जो आहे हा लेसन प्लॅन न करता, पण मी असं म्हणते की जर आपण एक शिक्षक आहोत, शिक्षक असल्यानंतर शिकवता शिकवता आपल्याला या गोष्टींची आयडिया येते आपण, तर निदान वर्गात आपण जो शिकवायला जातो तर आपल्या डोक्यामध्ये एक काहीतरी योजना असते सर की आपण या हा युनिट जर आपल्याला शिकवायचा आहे तर मी कशानंतर काय शिकवू, म्हणजे काहीतरी क्रमानेच आपण शिकवतो आणि क्रमाने शिकवल्यानंतरच तो विषय विद्यार्थ्यांना नीट समजतो. तर जो प्लॅन आहे लेसन प्लॅन म्हणजे असं नाहीच की तुम्ही अगदी वही घ्या. आता रोजचे शिक्षक जे आपल्याला अनुभवी शिक्षकांच्या बाबतीत जर म्हणायचं झालं तर निदान पण काहीतरी मुद्देसूद मांडणी आपण करतो आणि त्याच्यानुसार आपण शिकवतो. कारण काय, असं केल्याने काय होतं की कुठला मुद्दा आपण विसरत नाही किंवा त्याच्यामध्ये क्रमबद्धता येते, शिकवण्यामध्ये सरलता येते. आणि आकस्मिक जरी आपण वर्गामध्ये जायचं म्हटलं तरी आपल्या डोक्यामध्ये एक काहीतरी आपण नियोजन करत असतो सर, जे समोर आलं तसं आपण शिकवत जातो. त्याच्यामुळे काय होतं, जसं आपण आपल्याकडे कुठलाही समारंभ जर आपल्याला कार्य करायचं असेल किंवा कार्य काम करायचं असेल तर आपण त्याचं नियोजन करतो सर. नियोजनाशिवाय कुठल्याही कार्याची जर योग्य सफलता जर आपल्याला पाहिजे असेल, ते यशस्वीपणे पार पाडायचं असेल तर त्याचं नियोजन हे आवश्यकच आहे. तर तुम्ही लेसन प्लॅन असा वहीत घेऊन जरी लिहिला नाही तरी सुद्धा जर एखादं युनिट तुम्ही घेतलं शिकवायला घेतलं तर तुमच्या लक्षात येतं की हे युनिट आपल्याला शिकवायचं आहे तर याच्या संबंधी आपल्याला काय करावं लागेल, वर्गात प्रत्यक्ष प्रयोग करता येईल का किंवा चार्टवर याची. आता समजा उदाहरणार्थ तुम्हाला ताजमहालचं पूर्ण स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करायचं असेल तर तुम्ही ताजमहालचं स्ट्रक्चर केवळ व्याख्यान पद्धतीने एक्सप्लेन कराल तर त्या विद्यार्थ्यांना ते स्ट्रक्चर व्यवस्थितरित्या समजेल का? तीनही पिरियड्स घेतले तरी ते व्यवस्थितरित्या समजणार नाही. तेच जर ताजमहालची प्रतिकृती मी तुम्ही वर्गात नेली आणि ती जर व्यवस्थित त्याच्या आधारे जर विद्यार्थ्यांना ते स्ट्रक्चर समजून सांगितलं तर ते त्या विद्यार्थ्यांना चांगलं समजेल. तर याच्याकरता जो काही घटक आपल्याला शिकवायचा असतो त्याच्यासाठी नियोजन म्हणजे की आपल्याला कोणते उद्दिष्ट आहे करायचे, आपल्याला काय करायचं, विद्यार्थ्यांना हे ज्ञान द्यायचं आहे आणि त्याच्यात कोणती उद्दिष्ट पूर्ती करायची आहे आणि आपल्याला तो विषय कोणत्या अध्यापन पद्धतीद्वारा म्हणजे कसा शिकवायचा आहे आणि त्याच्यासाठी कोणत्या टीचिंग एड्सचा वापर करायचा, एवढं तर नियोजन आपल्याला करणं आवश्यकच आहे सर. त्याच्याशिवाय आपलं शिक्षण म्हणजे आपण जे कार्य करतो ते सफल होत नाही. आणि हे आपण तोंडी आपल्या डोक्यामध्ये सुद्धा आपला माइंड सेटअप केला तरी पण आपण हे काम करू शकतो आणि आपण करतोच.
हाच माझा प्रश्न होता मॅडम की आपण ते ठीक आहे ना सर. असं म्हणतच नाही ना की तुम्ही कागदावर. आता सर हे इतकं शक्य नाही पण नवशिके म्हणजे शिक्षक पण हे जे आहे हे सगळं व्यवस्थित रित्या जर व्हायचं असेल तर हा लेसन प्लॅन म्हणजे आपण हा जो लेसन प्लॅन कागदावर म्हणतो तो आपल्या डोक्यामध्ये असतो सर, त्याच्यानुसार आपण काम करत असतो. थँक्यू, थँक्यू सो मच मॅडम. आणखी कोणाला काही विचारायचं आहे मॅडम? त्यांना आता आपल्याला पुढे किती स्लाइड्स आहेत मॅडम अजून? असतील मॅडम 8-10 वगैरे असतील, बिकॉज आपलं सेशन 12:30 पर्यंतच होतं मॅम. तर ठीक आहे तुम्ही कंटिन्यू करा, तसे यांचं पुढलं सेशन नाही आहे म्हणून आता आपण कंटिन्यू करू शकतोय लेक्चर, कारण की आपला टायमिंग 10 मिनिटाची गॅप. हो हो, काय आणि मॅडम त्यांना सांगाल की त्यांना लेसन प्लॅन मध्ये काय काय लिहायचं आहे. हो 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 हो, येस मॅम, येस प्लीज कंटिन्यू. पूर्ण लागेल का सेकंड सेशन? हो मॅडम, एखाद तास तरी लागेल. किती वेळ सांगा ना तुम्ही, तसं थोडं कमी जास्त ऍडजस्ट करून घेईल. नाही ठीक आहे मॅम, आपण सेकंड सेशन घेऊया. आता आपलं दुसरं कोणतं सेशन नाही आहे सध्या. तर फ्रेंड्स, नाव वी विल टेक 15 मिनिट्स ब्रेक अँड डोंट लीव द मीटिंग, स्टे कनेक्टेड. जस्ट टेक रिफ्रेशमेंट ब्रेक ऑफ 10-15 मिनिट्स अँड कम बॅक अगेन. आपण 12:15 चालू करूया मॅम. हो हो, येस मॅम, 12:45 स्टार्ट, येस.